यस नादा मैम, प्लीज स्टार्ट। हेलो नादा मैम, आप सुन पा रही हैं? क्या हुआ एकदम? रोक दिए विकास सर, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, मैं नाजमा राजपूत, ऑनप्रेसिव प्राउड फाउंडर यानी के ब्रांड एम्बेसडर, आप सबका स्वागत करती हूँ अपने ऑनप्रेसिव टीम चैंपियन प्लेटफॉर्म पर, नई दिशा पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हम एक नए टॉपिक के साथ आते हैं और आज भी हम नए टॉपिक के साथ आए हैं, तो हम शुरू करते हैं। फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन अच्छे व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नया टॉपिक जो भी आता है, हर बार एक नए टॉपिक के साथ आते हैं हमारे पास होस्ट, को होस्ट और हमारे स्पीकर्स, आप उनको देखते हैं, हर बार नए होते हैं और रेगुलर भी होते हैं, लेकिन नए टॉपिक के साथ होते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा मतलब बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही अच्छा है। जैसा कि हम अक्सर कहते हैं कि हम किसी को कोई काम बताते हैं या कोई हमें काम बताता है तो हम उसको यस करते हैं, यस। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही अपने आप में है। आज का टॉपिक है टेक चैलेंज, टेक चैलेंजेस कह सकते हैं, और बहुत ही शानदार है। और आज हमारी जो स्पीकर हैं वो कोई और नहीं, हमारी मैडम शाहीन हसन है, और बहुत ही अच्छे अंदाज में वो इस टॉपिक को प्रेजेंट करेंगी। तो टाइम ज्यादा ना वेस्ट करते हुए हम मैं उनको बुलाऊंगी। मैम शाहिन, वेलकम। मैम आपका स्वागत है। थैंक ये थैंक यू सो मच नाजमा मैम, इतनी यू, प्यारी प्यारी तारीफ आपने वेलकम इतनी वेलकम कर शाहिन दी। जी, वेलकम मैम, वेलकम वेलकम वेलकम, थैंक वेलकम यू सो मच चंपा मैम एंड वेलकम। विकास सर। एक्चुअली क्या है कि वाकई में नाजमा मैम ने कहा कि टॉपिक आज का बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ चाहूंगी सभी को बहुत बहुत वेलकम है आज के शो में, क्योंकि आज का शो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये टॉपिक हमेशा हमें देते हैं डॉक्टर इदरीस मोदी, जो कि हमारे गाइडर है, मोटिवेटर है, जो कि एक नई दिशा प्लेटफॉर्म पे हम सभी को रन कर रहे हैं। उन्होंने बोला मतलब साथ में सबको लेके चलना है और सबको आगे लेकर के आना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि रेस में कोई भी पीछे रहे। एक होता है ना कि अपने लोगों को साथ लेके चलो, तो वही यहाँ पर हमारा एक मिशन है कि हम अच्छी अच्छी चीजें सीखें, क्योंकि आज हम इंटरनेशनल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। तो जब ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं, तो क्वालिटीज भी तो होनी चाहिए ना ब्रांड एम्बेसडर वाली, लगना चाहिए। आपका वॉक, आपका टॉक, आपका शॉक, आपकी जो एक्सपर्टाइज है वो सब दिखनी चाहिए। जैसे हमने पहले भी बात करी कि हर बंदा, मान लीजिए मैं अभी बोल दूं मैं नहीं दे रही आपका प्लान प्रेजेंटेशन, आज चंपा मैम देंगी, तो ये इनके लिए एक चैलेंज है, तो इनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि ठीक है शाहिद, आज आई विल डू इट, आज मैं कर लूंगी, आई कैन डू इट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रिपरेशन, कई बार क्या होता है दोस्तों, सही बात है कि हम कहीं भी जाते हैं तो हम प्रिपरेशन करके जाते हैं। अगर आज हम इस सेशन में मैं बोलने जा रही हूँ तो मुझे एक प्रिपरेशन चाहिए। मैं अपनी क्लास में अगर लेक्चर देने जा रही हूँ, विकास सर इस चीज को ज्यादा समझ सकते हैं, कि हम जब क्लास में जाते ना, मैंने एक बार एनटीटी किया था बहुत पहले, छोटे से बताती हूँ, तो उसमें क्या हुआ था, एक प्लान प्रेजेंटेशन बनता है आपको क्लास में, लेसन प्लान बनते हैं, तो लेसन आपको बच्चों को किस तरह से देना है वहां पर वो आप सीखते हैं। तो एक चीज, वही चीज हमें लगा कि देखो हम हर मोड़ पर जिंदगी के कुछ ना कुछ सीखते हैं। आज इस नई दिशा के माध्यम से भी हम बहुत कुछ दोस्तों अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनालिटी में डे बाय डे डेवलप कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं, कम हो या ज्यादा डजेंट मैटर, बट हर कोई यहाँ पर आके कुछ ना कुछ जरूर सीखता है। और हमेशा की बात मेरी जो मुझे लगती है कि वाकई जो सेशन मिस करूं वही सेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा बहुत बार होता है ना कि यार काश मैं उस क्लास में होता, यार मैम ने इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक चैलेंजेस, अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है तो आपको चैलेंजेस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, यानी कि चुनौतियों का सामना दोस्तों आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि भाई ठीक है जिंदगी तो चल ही रही है, जैसे तैसे हम निकाल ही रहे हैं, तो क्या होगा, वो वहीं रह जाएगी। सिंपली अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि अभी मैंने बोला डॉक्टर इदरीस मोदी को मैं पहले तो थैंक्स बोलूंगी कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने दिया, साथ ही साथ मिस्टर ऐश को भी मैं थैंक्स बोलूंगी कि ये जो जूम का प्लेटफॉर्म है ना दोस्तों, ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप सोचिए जूम के माध्यम से हम पूरी दुनिया से कनेक्टेड है आज की डेट में, आने वाले टाइम में हम जरूर और कनेक्ट पे मीटिंग करेंगे और सारी कुछ होगा, लेकिन ये जूम पे अभी दोस्तों हम बैठे हैं, ये आपको पता है ये 20,000 का रूम जो है ये कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, इसके लिए भी चैलेंजेस हैं।
बहुत सारे लोग जो है 40 मिनट की मीटिंग करते हैं, आप लोगों को पता है, आप लोग भी करते हैं, हम लोग भी पहले करते थे, लेकिन ये भी एक चैलेंज है कि कौन इस मीटिंग को पे करेगा, कौन इस मीटिंग को लेना चाहेगा, बाय करेगा, इसका पैकेज लेगा। जब आप पैकेज लोगे तो ये आपको फ्री हो जाती है, अनलिमिटेड थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है, कुछ क्राइटेरिया है उनका कि इतने में इतना देंगे या उतने में उतना देंगे, लेकिन हमारा ओकनेक्ट आ रहा है तो वो आपको पता है अभी तो अनलिमिटेड है। तो ऑन पैसिव में जैसे मैंने वीडियो भी बनाया था, सब कुछ अनलिमिटेड है। तो हम बात करेंगे आज ऑन पैसिव को लेकर के, साथ साथ अपने जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जरूर मैं कहूंगी पेपर पेन लेके भेजिए, क्योंकि लेके बैठिए, कुछ ना कुछ आपको दोस्तों यहाँ से जरूर मिलने वाला है जो आज आप यहाँ से सीख के जाएंगे। मैं सिखा नहीं रही हूँ, सीख रही हूँ कि आप लोगों को बोलते बोलते मेरी खुद की अच्छी प्रैक्टिस होगी कि मैं भी यहाँ पर कुछ ना कुछ सीखूंगी। तो आज का टॉपिक है टेक चैलेंजेस, यानी कि चुनौतियां लेना सीखिए। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो दोस्तों चुनौतियां आपको लेनी पड़ेंगी। बट होता क्या है आजकल दोस्तों, आजकल होता क्या है ना, नो बडी वॉन्ट्स टू टेक दिस, कोई नहीं चाहता कि हम जो है चैलेंजेस एक्सेप्ट करें। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि हम लोग जो अगर ना अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए, अभी मुझे बोला जा रहा है, जैसे कि आज मुझे बोला गया कि भाई आपको सेशन लेना है, तो मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज मैंने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा है। रीजन इज कि आज इफ्तार का टाइम होता है, आप सभी जानते हैं रमजान चल रहे हैं, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सेशन लेना। बट मुझे लगा नहीं, अगर आज मुझे सेशन मिला है तो आज मुझे बहुत टाइम बाहर मिला मिला क्या, इनफैक्ट मैंने खुद कहा कि आई विल टेक दिस सेशन, क्योंकि टॉपिक मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। तो कंफर्ट जोन में हम लोग आ गए, तो हम लोग अपने कंफर्ट जोन से ही नहीं निकलना चाहते कि भाई मैं नहीं करूंगा, आज वो कर ले, आज वो नहीं, आज वो कर ले। जैसे अभी नाजमा मैम ने कहा कि हर दिन एक नया प्रेजेंटर और एक नया होस्ट, तो लोग भी सीख रहे हैं, नए नए लोग आ रहे हैं, नए नए लोग सीख रहे हैं, और बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज भी आ रहा था, मैं अभी यहाँ पे बात कर लूँ मैं ना भूल जाऊंगी, कि हमें पैनल लिंक चाहिए। दोस्तों पैनल लिंक लेना आसान नहीं है, मैं आपको बताऊँ, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ जितने लोग पैनल पे हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब आप देखिए डेली आते हैं, डेली अपना टाइम डिवोट करते हैं, 1.5 से 2 घंटा जो भी हमारा सेशन रहता है। तो पैनल लिंक के भी ना बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, चाहे आप टीम चैंपियन का पैनल देख लीजिए, कहीं भी हमारे कौशिक का रूम खोलना ही खोलना है, क्योंकि तो ये भी टीम चैंपियन का एक पार्ट है, नई दिशा, इसमें भी हमें कौशिक सर को बोलना पड़ता है आप रूम खोलिए, तो रूम वो ही खोलते हैं। तो आप सोचिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी है पैनल लिंक की। देन हम बात करते हैं चैलेंजेस के बारे में, बात हो रही थी, तो सबसे पहले तो दोस्तों हमेशा की तरह हमें लगता है कि हमें अपना कंफर्ट जोन, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं इस बारे में, वो हमें अपनी लाइफ में अगर चैलेंजेस लेने हैं तो कंफर्ट जोन से तो हमें बाहर आना पड़ेगा। और हमने अपनी लाइफ में ना चैलेंजेस बहुत सारे लिए, जितने भी मुझे लगता है यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, शायद सभी ने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस जरूर लिए। जैसे कि बात की जाए, अगर अभी जो हमारी नई जनरेशन आ गई ना दोस्तों, वो चैलेंजेस लेती है क्या? नहीं लेती। हमारी जो जनरेशन आई है ना, जो हमारी हमारे बेटे हैं, हमारी बेटियां हैं, उनको सब कुछ पका पकाया चाहिए, रेडी टू ईट, सब कुछ मार्केट में मिलता है। मम्मा क्यों बना रहे हो, बर्गर लाओ, पिज्जा लाओ, क्योंकि उनको नहीं है कि कौन बनाएगा रोटी खड़े होके। तो बच्चों का जो ट्रेंड है दोस्तों, वो लोग चैलेंजेस लेना ही पसंद नहीं करते। अब हम लोग अगर अपनी बात करें तो हम लोगों ने अपनी लाइफ में कितने चैलेंजेस लिए होंगे, आप बचपन से याद कीजिए। जब हमारे टाइम में लाइट जाती थी दोस्तों, तो क्या होता था, हम लोग अगरबत्ती में भी पढ़ लिया करते थे। ऐसा होता था ना कि अगरबत्ती जलाई, पंखा चला गया, हाथ वाला पंखा जल रहे हैं अपने आप को, ये क्या, ये हमने लाइफ में चैलेंजेस लिए हैं। लेकिन आज के बच्चों को पता है क्या कि लाइट जाती कैसे? नहीं पता, क्योंकि इन्वर्टर लगे हुए हैं घरों में, सबके घरों में इन्वर्टर है, किसी को चैलेंज ही नहीं है बच्चों को। बच्चों को वैल्यू ही नहीं पता चीज की, कि भाई हमें तो, हमने तो कभी देखा ही नहीं कि लाइट गई है, लेकिन हमने देखा है, संपा मैम ने भी देखा है, विकास सर ने भी देखा होगा कि पहले लाइट जाती थी, आज कभी लाइट चली जाती है तो बच्चे अरे कब आएगी, 22 चांस अगर चली जाए, इन्वर्टर भी ना हो किसी के घर में, तो ये चीजें बच्चों को पता चलती है। लेकिन उसके अलावा बच्चों को कुछ नहीं पता कि क्या लाइफ में हो रहा है। अब क्या हो गया, हमारा कंफर्ट जोन आ गया ना, इन्वर्टर है, हमने पंखा चलाया, लाइट कब गई कब आई हमें पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन में, हम वहां से उठना ही नहीं चाह रहे। और आसान कर देते हैं, एसी चल रहा है, कमरा 2 घंटे तक लाइट जाने के बाद भी ठंडा है, किसी को क्या फर्क पड़ेगा, कहाँ से निकलेंगे कंफर्ट जोन में से। तो कंफर्ट जोन को इसीलिए बार बार बोला जा रहा है, क्योंकि दोस्तों लाइफ में अगर चैलेंजेस लेने हैं तो आपको कंफर्ट जोन तो छोड़ना पड़ेगा, और उसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं, तो वहां की बात हम नहीं करेंगे कंफर्ट जोन की, लेकिन हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देन अगर हम देखें हमारे टाइम में क्या होता था, हमारे जो पापा हैं वो, या हमारे जो पापा काम करते थे, तो पहले वो साइकिल चलती थी, उस जमाने में साइकिल चलती थी ना, सब लोग साइकिल से जाते थे। देन फिर स्कूटीज, वो बाइक्स आ गई, लोगों ने वो बोपट और समथिंग कुछ कुछ लूना वूना चलने लगी थी। तो
देन धीरे धीरे ट्रेंड ये हुआ, बाइक्स आने लगी, बसेस पे लोग आने लगे थे। फिर क्या हुआ, अभी लोगों के पास कार्स आ गई। अब कार आ गई तो लोगों को क्या लगता है, कंफर्ट जोन नहीं आ गए, बेकार उठाई कोई बात नहीं, जहां मैं 1 घंटे में जाता था साइकिल से, मैं तो 5-10 मिनट में पहुंच जाऊंगा, यही है ना। तो अब क्या हो गया, चुनौती तो बची नहीं, चैलेंज तो आए नहीं लाइफ में। अरे अब तो और चैलेंज इजी हो गया, लेकिन दोस्तों हमें अपनी लाइफ में क्या करना है, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है। अगर आ भी गई है ना हमारे पास गाड़ी, तो भी कभी कभी ऐसा मौका आना चाहिए कि आज हम पैदल जाएंगे, या आज चलो साइकिल से चलते, आज बहुत टाइम हो गया साइकिल चलाए हुए। लेकिन लोग अपना कंफर्ट जोन छोड़ना ही नहीं चाहते, इसीलिए जो है वो जिंदगी में जहां पे स्टार्टअप कहते हैं ना, जब जहां तक गाड़ी आ जाती है ना, वो वहीं रुक जाते हैं। ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, भी प्रैक्टिकली भी बहुत देखा है। अगर आपको सक्सेस होना है तो सबसे पहले आप अपना कंफर्ट जोन छोड़िए। देन कहते हैं ना, जैसे जैसे आपको सफलता मिलती है ना दोस्तों, आपका जो ट्रैक है ना, वो एक जगह फंस जाता है, और वो ट्रैक क्या है, वो ट्रैक है कंफर्ट जोन। आपको पता भी नहीं चलता, आप तो सोचते हैं मेरे पास पैसा आ गया, मेरे पास गाड़ी आ गई, अभी आने वाले टाइम में हम सबके पास आने वाला है, लेकिन दोस्तों कंफर्ट जोन को छोड़ना है। अभी यहाँ की बात कर लेते हैं, हम लोग नई दिशा के प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं सारे, हमारी कंपनी का स्लोगन है इन इट टू विन इट, यानी कि नो बडी कैन डू एनीथिंग, कुछ नहीं करोगे तब भी आप यहाँ पर विनर हो। लेकिन मैं समझती हूँ जितने भी लोग यहाँ पैनल पर हैं, या जितने भी लोग हमें यहाँ सुन रहे हैं इस वक्त, हमारे साथ जो पार्टिसिपेंट्स हैं, सभी ने दोस्तों अपना कंफर्ट जोन छोड़ रखा है, सब यहाँ 1.5 घंटे के लिए बैठे हैं सीखने के लिए। जो पैनल पर है, अगर मैं उनकी बात करूं, वो क्यों बैठे हैं, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ, दोस्तों एवरीबडी वॉन्ट्स टू सक्सेस, बिकम अ सक्सेस, बनना चाहता है हर आदमी, सक्सेस होना चाहता है। तो आज हम यहाँ पर हम नेम के लिए बैठे हैं, हम फेम के लिए बैठे हैं, हम चाहते हैं हमारी जिंदगी में और भी कुछ अच्छा हो आने वाले टाइम में, वरना तो स्लोगन तो है ही इन इट टू विन इट। इतने लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि हम पैसे में चल क्या रहे हैं, इतने फोन आते हैं कि मैं आपको क्या, मतलब मैं तो ये सोचती हूँ उनसे मैं बात कहाँ तक बताऊं उन लोगों को, लेकिन क्योंकि वो जानना भी नहीं चाहते, बस वो सोचते हैं बैक ऑफिस को किसी ना किसी को फोन लगा लो, और जो है बैक, इसमें ठीक है कॉल आ रही है किसी की, तो उनको ऐसा लगता है कि कंटिन्यू करिए। चलिए अगर कॉल आती है तो थोड़ा सा हो सकता है डिस्टर्ब हो, अदरवाइज तो आवाज आ रही है ना। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो हम बात कर रहे थे कि हमारा जो ट्रैक वो साइलेंट जोन उसमें फंस जाता है साइलेंटली, कि हमें पता नहीं चलता, हम अपनी जिंदगी में सोचते हैं हम तो सक्सेस हो रहे हैं, और अब हम आराम से चादर तान के सो रहे हैं। लेकिन जहां तक मुझे लगता है, या जो मैंने सक्सेस पीपल्स को देखा है जो जिंदगी में हमेशा कामयाब हुए हैं, कहीं नहीं दूर जाते, मिस्टर ऐश की बात कर लेते हैं। आप देख रहे हैं मिस्टर ऐश को लगातार देख रहे हैं, जैसे जैसे ऑन पैसे में वो सक्सेस मिल रही है, क्योंकि हर बार हम एक न्यू ट्रैक पर आ रहे हैं, न्यू टॉप पर आ रहे हैं। तो क्या मिस्टर ऐश बैठ गए, नहीं, आपने देखा ना मिस्टर ऐश लगातार आगे प्रयास कर रहे हैं कि वो कुछ नया करें, और लोगों की बातें भी सुन रहे हैं, उसके बाद भी वो चैलेंजेस ले लेकर भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग जो, मतलब अगर देखा जाए, देखिए बुर्ज खलीफा आया 2022, उसके बाद अभी आपने देखा बुर्ज खलीफा 2022 में आया, 30 मार्च से लेके आज तक की दोस्तों अगर बात की जाए, तो हमारे पास मेट्रो ट्रेन आ गई, हमारी पार्टनरशिप आ गई, स्पॉन्सरशिप, बड़ी बड़ी कंपनीज को हमने स्पॉन्सर कर दिया, या बड़े बड़े शोज हमारे हो रहे हैं, इवेंट जैसे कि भी आप सभी देख रहे हैं, शिरीन का शो है या फिर अल्मुहादिस का शो था। तो ये सब क्या है, ये मिस्टर ऐश ने चैलेंजेस लिए कि मुझे ऑन पैसिव को इतना बड़ा बनाना है। हम ले पाते हैं अपनी जिंदगी में एक छोटा सा चैलेंज नहीं ले पाते कि नहीं कि मैं ये कर लूंगा, जब भी तो मोदी सर कहते हैं आई कैन डू इट, बोलना है ये बात दिन में 10 बार, जब बोलेंगे तो दिल में उतरेगी, और दिल में उतरेगी तो 100% हम करेंगे। तो मिस्टर ऐश की हम बात कर रहे थे दोस्तों, 24/7 मिस्टर ऐश जो है काम कर रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं इस चीज को। कोई भी सक्सेस आदमी जो है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रयास करता है। आज विकास कर रहे हैं, सक्सेस है, अपनी बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, अच्छे कॉलेज में प्रिंसिपल हैं, लेकिन उसके बाद भी ये यहाँ बैठे हैं, क्योंकि ये भी सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। एक इंटरनेशनल कंपनी में आप ब्रांड एम्बेसडर हो, तो मैं बार बार कहती हूँ, इसीलिए हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों हमारे लिए। देन ओ फाउंडर्स की, अगर हम फाउंडर्स की बात करें, तो हम सब यहाँ पर फाउंडर हैं, जैसे मैंने अभी आपको बोला भाई हमें वेबिनार लेने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं अपने आप को ग्रोथ करने के लिए कह लीजिए, या हम अपनी लाइफ में, एक चैलेंज है ये हमारे लिए कि कौन कितना करके दिखा सकता है। एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं,
छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझते हैं इन चीजों को। टेंथ और ट्वेल्थ की बात करते हैं, बच्चों के एग्जाम्स हुए अभी अभी, आप सभी ने देखा। लेकिन टेंथ और ट्वेल्थ में होता क्या, प्रिपरेशन लीव मिलती है, अच्छे लंबे टाइम की मिल जाती है, ऑलमोस्ट 15 दिन 20 दिन की तो मिलती है। देन उसके बाद आपके बोर्ड के पेपर शुरू होते हैं। आपको पता है ना, मतलब मैं अपना भी एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जब टेंथ और ट्वेल्थ के एग्जाम्स हुए ना, जब हमें लीव मिली तो उसके बाद होता क्या है, अरे अभी तो बहुत दिन है, अरे पढ़ लेंगे, चलो रुक जा, आज मार्केट चलते हैं, आज पिक्चर देखने चलते हैं, आज यहाँ चलते हैं, अरे अभी तो बहुत दिन है। मतलब वो जो वो 1-30 दिन होता है ना, वो आखिर से 10 दिन में भी, मतलब लगता है अरे आखिर में पढ़ लेंगे, आखिर में पढ़ लेंगे, ऐसा ही होता है ना विकास सर, बच्चे ऐसे ही करते हैं। शायद आपके घरों में भी बच्चे हैं सबके, आप नोटिस करिए, 2 दिन का अगर गैप हो गया थोड़ी क्लासेस के बच्चों के, अरे मम्मी कल का दिन है ना, संडे है ना मेरे पास, तो वो बच्चे भी जो है ना, वो चैलेंजेस उनको लगता है कि ठीक है बस हम तो लास्ट मोमेंट पर पढ़ेंगे, छक्का मार ही देंगे। लेकिन होता क्या है, जब आप दोस्तों प्लानिंग से चलते हैं तो आप बहुत बड़ी सक्सेस हासिल करते हैं। जैसे आप मिस्टर ऐश हैं, सब कुछ प्री प्लान्ड है, कब क्या कैसे कैसे होना है, हर चीज लिखी जा चुकी है। बकौल गुस्मिंदर सर की, मिस्टर ऐश ने हर चीज लिखी हुई है कि किस तरह से ऑन पैसेज को एग्जीक्यूट करना है, और स्टेप बाय स्टेप वो कर भी रहे, किस तरह से बातें वो हमें शेयर करेंगे वो भी उन्होंने बताया कि हमें कैसे कैसे आगे बढ़ना है, कौन सा अभी अभी बुर्ज खलीफा आ गया, अभी हमारा मेट्रो आ गया, अभी ये हो गया, आज इवेंट है, अब इस महीने प्लान है मिस्टर ऐश का 2 न्यूक्लियर बम, बूम, तो जब वो फटेंगे ना तो पता नहीं क्या होगा, अभी देखो कितने खुश हो गए सारे लोग। तो वो हमारा एक एक्साइटमेंट लेवल दोस्तों बना रहना चाहिए, वो भी बीच बीच में थोड़ा सा बात करनी पड़ती है ना, वरना लोग ऐसे सोचेंगे लेसन चल रहा है, लेसन नहीं है, जस्ट एक टॉक है, ये हम लोगों की आपस की शेयरिंग है, जो हम चाहते हैं हम एक दूसरे से बात करें और अपनी चीजों को यहाँ पर लाके से क्लियर। और जिंदगी में दोस्तों चैलेंजेस आते रहने चाहिए, मजा आता है, छोटे छोटे चैलेंजेस दीजिए। आज मैं ना ये करती हूँ, जो चीज मुझे बनानी नहीं आती खाने में, आज मैं ट्राई करती हूँ। अभी मैं 2 दिन पहले नाजमा मैम क्या थी, जब लास्ट हमारा सेशन था, तो उन्होंने बड़ा अच्छा, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मतलब सिर्फ एक एग्जाम्पल है, तो उन्होंने मुझे पालक के दही बड़े खिलाए। मैं आई वाज शॉक कि पालक के भी दही बड़े थे, मैं तो पहली बार खाया है। तो जस्ट अभी क्या हुआ, आज हमारे घर में इफ्तार बना, तो मैंने अपनी बेटी को बोला, मैंने कहा बनाऊं क्या, तो बोलती हाँ, मैंने कहा आज ट्रायल पर्पज है, तो जस्ट एक मैंने चैलेंज लिया कि आज मैं उसको ट्राई करके देख सकती हूँ, ऐसा नहीं कुछ भी खा लेते हम, लेकिन एक अच्छा सा लगा कि एक छोटा सा चैलेंज है करके देखते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं होता कोई बात नहीं। लेकिन खैर वो बनाया ही नहीं, नाजमा मैडम का यहाँ सोचे बना लिया ठीक है। देन अभी हम चुनौतियों की बात करें दोस्तों, चैलेंजेस जिंदगी में जरूर होने चाहिए सबके, और वो होते रहते हैं तो हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं, हर मोड़ पर हम लोग कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। जितने भी बड़े बड़े लोग जिंदगी में गुजरे हैं, आप देखिए उनकी जिंदगी में चुनौतियां बहुत थी, क्योंकि कोई भी अगर कोई, अगर हम क्रिकेटर की बात करें, सचिन की बात कर ले, चुनौती नहीं थी, बैट्समैन नंबर वन बनना, आप सोचिए नंबर वन क्लास में भी पोजीशन आने के लिए कितना, जो जो बच्चे रेगुलर फर्स्ट आते हैं उनको रहता है हमें फर्स्ट आना है, वो एक्सेप्ट करते हैं चैलेंज, किसी को आने नहीं देना, एक पॉइंट से भी नहीं आने देना मुझे किसी को सेकेंड फर्स्ट नंबर पे। इसी तरह से दोस्तों एक है हमारे राइट ब्रदर्स करके है, राइट ब्रदर्स के बारे में मैंने पढ़ा था, बताया उन्होंने, वो प्लानिंग करते थे राइट ब्रदर्स कि हम जो है ना लोहे को उड़ा देंगे, क्या कहते थे, लोहे को हम उड़ा देंगे और आदमी को उड़ा देंगे, कुछ ऐसा तैयार करेंगे कि हम लोहा आसमान में उड़ा दें। अब आप सोचिए पंखा उड़ा देंगे और जो हम ये शीशा उड़ा देंगे, सब कुछ एक टाइम ऐसा आएगा जो आसमान में उड़ेगा। कौन थे, राइट ब्रदर्स करके नाम था उनका, उनकी कंपनी का नाम था राइट ब्रदर्स करके, और उन्होंने इस तरह से प्लान किया था। तो एक चीज क्या हुई, एक ऐसी उन्होंने अपने इंजीनियर्स को बुलाया और बोला कि एक ऐसी मशीन बनाओ, एक ऐसी मशीन बनाओ जहां पर कि 8 इंजन एक साथ, सॉरी एक इंजन ऐसा बनाओ जिसमें कि 8 सिलेंडर एक साथ लग जाएं। समझ रहे हैं बात को, एक ऐसा इंजन बनाओ जिसमें कि 8 सिलेंडर एक साथ लग जाएं। अब सारे लोग कहने लगे कि जो उनका स्टाफ था जो इंजीनियर थे, अरे सर ऐसे कैसे पॉसिबल होगा ये 8 सिलेंडर एक ही जगह पर, ऐसे तो बहुत मुश्किल है, हमें नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। उन्होंने कहा नहीं आप इसको बनाओ और बहुत मुझे मुझे लगता है ये बनेगा। उन्होंने इस तरह से प्लानिंग करी कि नहीं नहीं आपको इसको बनाना पड़ेगा, और जब आप इसको बनाओगे तो आप खुद जो है फर्क देखोगे कि क्या फर्क आ रहा है। उन्होंने तो बहुत ही लगातार वो कहते रहे कि नहीं बन पाएगा सर। फिर आप सोचिए कि आपके आसपास के जो लोग थे वो क्या आपको कह रहे होंगे, मैं आपसे बोलूं मैं वो लोहा उड़ा दूंगी, आप कहेंगे शहन मैडम तो पागल होगी, लोहा कैसे उड़ेगा भाई, ये कैसी बात कर रही है, क्या लोग आपको सक्सेस होने देंगे वहां पर, नहीं होने देंगे, वो कहेंगे ये तो पागल हो गया। अब पागल ही इतिहास रचते हैं दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखिएगा, जो लोग पागल होते हैं वो इतिहास रचते हैं, और डेफिनेटली राइट ब्रदर्स ने ऐसा ही किया, लोग उनको कहते रहे, अब उनके लिए वो एक चैलेंज बन गया था कि मुझे तो, मैंने बोला है तो आई कैन डू इट,
उन्होंने वो कर दिखाया दोस्तों, उन्होंने वो कर दिखाया। और मैंने उनके बारे में पढ़ा, हेनरी फोर्ड उनका नाम था, जो वहां के राइट ब्रदर्स के जो ऑनर थे, हेनरी फोर्ड करके नाम था उनका। उन्होंने अपने जब इंजीनियर को बोला कोई बात नहीं आप लगाओ और मैं आपको सैलरी देता हूँ, मैं आपको पे करूंगा, आप टाइम लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप ट्राई करो। उन्होंने फिर बोला कि भाई हम ट्राई करेंगे सर, लेकिन हमें तो समझ ही नहीं आ रही है ऐसे होगा कैसे। फिर उन्होंने फिर कहा कि उन्होंने एक पेपर पे ड्रॉ करा कि ये पेपर है, ये इंजन है, ये इंजन है और ये इसमें सिलेंडर्स लगे हुए हैं। मेरे पास पीपीटी होता तो बहुत मजा आता आपको इस वक्त बताने में। तो नेक्स्ट टाइम विकास सर का आइडिया मुझे आया है कि पीपीटी पे हम कुछ सेशंस ले सकते हैं। तो उन्होंने क्या करा, पेपर पे डिजाइन करके दिया, यानी कि आप समझ लीजिए एक डब्बा बनाया, उसमें उन्होंने 8 सिलेंडर लगा दिए कि आपको ऐसा डिजाइन बनाना है, सारे सिलेंडर एक ही जगह पर जो है लगाने थे। सारे एम्प्लॉइज बोले कि भाई, फिर बोले कि नहीं होगा भाई, नहीं होगा। उन्होंने कहा ठीक है आप 2-4-6 महीने लो, आप इसे बनाओ, कोशिश करते रहो। मतलब चैलेंज था ना आपको, करनी तो थी प्रैक्टिस में, एकदम एंड परफेक्ट आ गया। ये टॉपिक भी हम लोग कर चुके हैं, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। देन उसने क्या करा दोस्तों, वो लगातार सारे जो इंजीनियर्स थे उनके वो लगातार लगे रहे। 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 6 महीने बाद फिर पूछा हेनरी ने कि भाई क्या हुआ, बना कुछ? उन्होंने बोला नहीं बना सर, ये नहीं बन सकता, ये बहुत मुश्किल है, ये नहीं बनेगा। उन्होंने बोला कोई बात नहीं। हेनरी फोर्ड ने फिर क्या कहा आपको पता है? उन्होंने बड़ा अच्छा सेंटेंस बोला, जरूर यहाँ से लेके जाइएगा और लिख करके ले जाइए ये। उन्होंने कहा चाहिए ही चाहिए, मुझे ये चाहिए ही चाहिए, कैसे भी करके आप इसको बनाओ और आप ये मुझे 2 बनाकर, समझ रहे हैं? ये सेंटेंस चाहिए ही चाहिए उन्होंने रिपीट करा, चाहिए ही चाहिए, मुझे तो चाहिए। बच्चे होते ना छोटे बच्चे, आपने देखा जिद करते हैं, बैलून चाहिए तो चाहिए, मम्मा मुझे कार चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए। अब बाजार में वो फैल जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, उन्हें रोज आते हैं, तो मम्मा को क्या होता है फाइनली दिलाना पड़ता है। तो ऐसे ही हुआ दोस्तों यहाँ पर भी। हेनरी फोर्ड ने जब बात की तो उनके इंजीनियर फिर रात दिन एक करके लग गए, जैसे कि हमारे आईटी के सारे इंजीनियर हैदराबाद के और इधर के सारे लगे हुए हैं कि आईटी के प्रोडक्ट जो हमारे बन रहे हैं किस तरह से हो रहे हैं। तो उनके इस स्लोगन के बाद जो है, जब उनके लोगों ने देखा इंजीनियर ने कि भाई हेनरी फोर्ड तो बिल्कुल सीरियस है और इनको जो है ये चाहिए, तो अब तो हमें लगना पड़ेगा। आपको पता है कितना टाइम लगा? 6 महीने के बाद उन्होंने फिर 1 साल के बाद पूछा कि भाई क्या हुआ, बना क्या, कुछ कुछ हुआ क्या? उन्होंने कहा जी बन गया, मतलब बन गया। आज आप देखिए एरोप्लेन लोहा हवा में उड़ रहा है, उसमें पंखे भी हैं, उसमें बल्ब भी है, उसमें शीशा भी है, उसमें सब कुछ है दोस्तों। तो ये होते हैं जिंदगी में चैलेंजेस, हम लोगों की तरह नहीं, हम लोग छोटे छोटे चैलेंजेस से घबरा जाते। अभी कोई बीमार हो गया हॉस्पिटल में, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी, कोई भी हो गया किसी के घर में, कोई फैमिली इश्यूज आ गए, अरे अब क्या करें, हमारे तो हाथ पैर खुल गया, अरे भैया क्या करें, आज तो ये होने वाला, अब तो ये हो गया, हम कैसे करेंगे? नहीं, बहुत कूलली आपको चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। आई कैन डू इट, गॉड इज विद मी, आई कैन डू इट, है ना? तो जब ये वाली चीजें हमारी जिंदगी में आती हैं दोस्तों, तो हमारा माइंड भी फिर कूलली हर कोई भी हमारे पास इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाए, कोई भी चुनौती आ जाए, कोई भी चैलेंज आ जाए, तो हम उसको एक्सेप्ट करें। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो पैनल पे लोग हैं ये तो बहुत ही टैलेंटेड हैं भाई, ये तो कोई चैलेंज नहीं छोड़ते, चाहे वो रमला मैम हो, नाजा मैम हो, संपा मैम हो, एवरीबडी वांट्स टू रेडी, किसी भी टाइम आप इन्हें कुछ भी दे दीजिए, ये लोग बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों यहाँ पर आने के बाद एक फायदा ये हो रहा है कि हम लोग तैयार कर रहे हैं अपने आप को। कहते हैं ना लोहा मतलब हीरे की कदर जौहरी जानता, और डॉक्टर जीत मोदी ने ना वो जौहरी है, उन्होंने सारे हीरे ले लिए, चाहे वो संपा मैम हो, विकास सर हो, नाजा मैम, सीमा मैम, सारे हीरे यहाँ बैठे हैं और सारे हीरो को वो तराश रहे हैं। और अब तराश कैसे रहे दोस्तों, इन सेशंस के माध्यम से। हम इसीलिए बोलते हैं बार बार, आप इन सेशंस में आइए दोस्तों, जब आप आएंगे तो आपकी जिंदगी में जरूर चेंजेस आएंगे। एक और एग्जांपल मुझे, मतलब मैंने उसके बारे में भी पढ़ा है, आप सभी जानते हैं हर उनको, तो उनके बारे में ज्यादा क्या बताना, थोड़ी सी बात करेंगे। नेपोलियन का नाम आप सभी ने सुना होगा, सबने सुना है, बस मुझे विकास सर की ज्यादा नहीं ली, तो मुझे पता चल रहा है कि हाँ ये बात समझ रहा है, तो सारे समझ रहे होंगे, संपा मैम हो गए। तो हम लोगों को क्या, तो नेपोलियन के बारे में हम सभी लोग जो है वो जानते भी हैं, सुनते भी, बच्चा भी जानता है, क्योंकि नेपोलियन के एसी भी आते हैं, है ना? बहुत सारे घरों में आपको देखने को मिलते होंगे, ऑफिस में, क्योंकि बहुत बड़ा ब्रांड है नेपोलियन का, तो उनका नाम जो है वो बहुत चलता है, कि हाँ लोग बच्चा बच्चा भी जानते हैं। आप सभी ने जो है उनका नाम तो सुना ही है, साथ ही साथ उनका, उनकी एक बहुत बड़ी सेना थी। उनकी सेना क्या था, वो चाहते थे कि एक अल्पास एक वो था पर्वत, और वो पर्वत ऐसा था दोस्तों कि वहां कोई भी जाए तो वो वापस नहीं आता था, लेकिन उनको एक चैलेंज था, मुझे यहाँ जाना है,
मैं यहाँ जाके आऊंगा, मुझे यहाँ जाना है। वो अपनी सेना से बोले चलो हम इस पर्वत को जो है अल्पास, आप गूगल भी कर सकते हैं, आपको देखने को मिल जाएगा गूगल पे। तो वो ऐसी ऐसा पहाड़ है दोस्तों कि वहां पर जाने के बाद कोई भी बंदा आज तक वापस नहीं आया। लेकिन नेपोलियन ने चैलेंज लिया, वो वहां पर गए, और वहां पर जाने के बाद पता क्या हुआ उनको ना एक बूढ़ी औरत मिली वहां पर। वो बुढ़िया बोली ए लड़के तुम कहाँ जा रहे हो? उसने बोला मैं जो हूँ अल्पास जा रहा हूँ, मैं ये पर्वत जो है वो जीतना चाहता हूँ। उन्होंने बोला नहीं नहीं बेटा ऐसे मत करो, यहाँ पर जितने भी लोग गए आज तक कोई भी जो है वापस नहीं आया। उसने बोला कोई बात नहीं माता जी मैं तो जाऊंगा। उसने अपनी सेना को बोला आगे बढ़ो। वो खुद तो घोड़े पे सवार था, जब माता जी ने भी मना किया इतना वो मुस्कुराने लगा। उसने बोला कि माता जी मुझे तो जाना है, मुझे तो ये पर्वत जो है जीतना ही जीतना है, मुझे तो इसको मतलब इस पे फतह हासिल करनी है। मतलब ये समझ लो वो वहां जाके जीत, ये नहीं था वो पर्वत उठा के अपने घर ले आता, मतलब ये था कि उसको वहां चढ़ना था, उसको वहां पर जाना था कि मैं जाके यहाँ से वापस आऊंगा, ये था चैलेंज। देन वो बूढ़ी औरत को बोलता है कि ठीक है आप एक काम करो। उसने अपने गले में से एक माला निकाली और बूढ़ी औरत के गले में डाल दी। बोलता है कि आप एक काम करो, जब मैं लौट कर आऊंगा ना देखना माता जी आप मेरी जय जयकार करोगे। कितना बड़ा चैलेंज उसने लिया, उसको पता है वो मौत के मुंह में जा रहा है, साथ में अपनी सेना को भी लाया, तू भी चल भाई, साथ में सबको ले गया, पूरी सेना गई साथ में। और उसके बाद आपको पता है दोस्तों वो वहां से वापस आया। सोचिए ये होते हैं चैलेंजेस, कि हमें पता है हम मौत के मुंह में जा रहे हैं और मौत के मुंह से किसी को खींच लाना ना वो होता है चैलेंज। तो वो उनने वो वाली पावर थी, वो वाली मतलब वो वाली सोच थी, वो वाला डेडिकेशन था, जैसे कि हम अपने देखते हैं मिस्टर ऐश को मैं फिर बात करती हूँ, रात दिन 24 घंटे अगर काम कर रहा है कोई बंदा, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ सभी का चैलेंज कि नहीं मुझे तो देखिए कहते ना मिस्टर ऐश मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या बोल रहा है। हमें दिन भर मैसेजेस आते हैं यूट्यूब पे बहुत सारे आते हैं, मैडम क्या आप वीडियो बनाते रहते हो अपडेट तो होता नहीं। मैंने कहा सर जितने अपडेट आएगा उतने ही तो बताएंगे, अपनी मर्जी से कोई ना बना देंगे। मैं बोल दूं कल से पैसा आ रहे हैं बस आपको वो अपडेट अच्छा, अपने नहीं आया तो भी आप कहोगे मैडम आपने झूठ बोल दिया। तो मतलब किसी तरह से लोगों को जो है ना संतुष्टि नहीं है आज के टाइम में। लेकिन हम लोगों को लगता है कि नहीं दोस्तों हमें अपनी जिंदगी में सक्सेस होने के लिए 100% जो है एक माइंड सेट रखना है कि हमें जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के साथ साथ जो है ना अपने माइंड को बहुत कूल रखना है कि कोई भी चैलेंज आए यस आई कैन डू। तो वो उसने तो पहाड़ जीत लिया। देन उसके बाद एक चीज और आती है माइंड में स्ट्रेच की, जैसे मैंने आपसे बात करी, उसके साथ ही साथ हमारे जितने भी लीडर्स हैं, मैं बात करूंगी साथ में मार्टी रिगामो सर की। मैं बताती हूँ कि वो जो है देखिए एज में भी सबसे बड़े ही है जितने भी हमारे लीडर्स हैं, आप सब भी देखते हैं चीज को, एज फैक्टर तो है ही है, साथ में उनका जो डेडिकेशन है डेली लाइफ देना, यार इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है, फैमिली भी है, बच्चे भी हैं, घूमना फिरना भी है, डेली लाइफ देना और हमें अपडेट देना। और वो कहते हैं मैंने आज तक ऐसी कंपनी देखी ऑन पैसेज जैसी जो कि इतना बड़ा बना रही है, और अभी पीछे बहुत सारे इसे वीडियोज भी बने। लेकिन मुझे क्यों अच्छा लगता है उनको सुनना, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस होल्डर बनते हैं भाई। हमने जो देखा अब तक ऑन पैसेज में, ऐसे जैसे डॉक्टर इंद्रित मोदी है वो अपनी लाइन के एक्सपर्ट है, लेकिन उन्होंने बोला मार्टी रिगामो से कि मैंने बहुत सारी ऐसी कंपनीज करी जो कि जहां पर पैसा तो लगता है लेकिन आता कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं पहली कंपनी ऐसे देख रहा हूँ जो कि लोगों के लिए काम कर रही है, लोगों के लिए सोच रही है। दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप सोचिए मिस्टर ऐश ने अगर एक बार जबान दे दी, जैसे हम लोग बात करें हमारे स्लोगन ऐसे हैं विन इट टू विन इट, अब अगर नहीं हुए तो किसकी बेइज्जती है? मिस्टर ऐश की। डन डील है, मिस्टर ऐश बार बार कहते डू इट और डाई, इट्स अ डन डील बिजनेस। तो क्या हो गया, ये भी एक चैलेंज है। तो ये जो सारे चैलेंजेस दोस्तों हमारी जिंदगी में आ रहे हैं या मिस्टर ऐश की जिंदगी में आ रहे हैं, अब उनके साथ साथ तो मैं अपनी भी यहाँ पर बात करूंगी, ये चैलेंज हमारी भी लाइफ में है। आज अगर मैं अपनी बात करूँ एज अ यूट्यूबर, अगर मैं बात करती हूँ दोस्तों ये मेरे लिए चैलेंज है, क्योंकि जब मैंने स्टार्टअप किया था नाजा मैम को सब पता है, इन्होंने स्टार्ट कराया चैनल, कोई प्लान नहीं था कुछ नहीं था, लेकिन आज मुझे आई कैन डू माई बेस्ट, कोई कुछ भी करे मुझे अपना बेस्ट देना है और मैं लगातार दे रही हूँ। सुबह उठ के 5:30 बजे वीडियो अगर मैं आपको दे रही हूँ तो वो भी एक चैलेंज है रमजान के साथ साथ। लोगों को लगता है मैडम आप रोते नहीं रखती, जैसे पहले भी बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए, लेकिन हमें अपनी लाइफ में ये चैलेंज लेना है। अभी आप सभी देख रहे होंगे सभी यूट्यूबर्स का वीडियो मॉर्निंग में आने लगा है, बहुत सारे हमारे यूट्यूबर्स है जिनका मॉर्निंग में वीडियो आने लगा है, जो कि बहुत टाइम से नहीं आ रहा था किसी कभी, लेकिन अभी तो चलो सब रमजान है सब जाग रहे हैं, क्या रमजान के बाद वो कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी बना पाएंगे? कंसिस्टेंसी इज द मेन थिंग इन एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, कि अगर आपको जिंदगी में सक्सेस होना है। कितने सारे हमारे जो टॉपिक हैं एक के अंदर सब जो है ना ऑन पैसिव, एक्चुअली यही तो ऑन पैसिव है, सब इंटीग्रेटेड है। अगर आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो मैंने आपको बोल दिया ये सारे टॉपिक, कंफर्ट जोन, प्रैक्टिस, ये जो हम बात कर रहे हैं कंसिस्टेंसी,
ये सब एक के अंदर एक जुड़ा हुआ है और लगातार जो है हम इससे जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज ये सब हम सीख रहे हैं तो हम उस पर काम कर रहे हैं। शायद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एज अ यूट्यूबर तो है, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रेगुलर वेबिनार में नहीं आते। कंसिस्टेंसी विकास सर रोज नजर आते हैं, संपा मैम रोज नजर आती हैं। तो कंसिस्टेंसी जब आपकी होती है ना, लोग आपको जानते हैं, आपको पहचानते हैं। अभी आप 4 दिन आओ, उसके बाद आप गायब, जब फिर पता नहीं चलता बंदे आए और कहाँ चले गए। ऐसी कंपनीज होती हैं, बहुत सारी आती हैं चली जाती हैं। तो दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूंगी, मुझे लगा कि मैं अपने एग्जांपल के थ्रू शायद आपको बता पाई हूँ कि चैलेंजेस कैसे एक्सेप्ट करते हैं। बहुत सारे हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी, हम सभी की लाइफ में आते हैं, डरना मना है, डरना नहीं है, चैलेंजेस एक्सेप्ट करने और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच ओवर जी राज दादा, प्लीज थैंक यू सो मच टू ऑल। थैंक यू, थैंक यू सो मच शाहीन, बहुत अच्छा प्रेजेंट रहा आपका, और आपने आज का चैलेंज भी स्वीकार किया कहने को। हमने कहा नहीं, आपको ज्यादा ही बोलना है, तो आपने उसमें इंक्लूड, मेरे ख्याल में आपने 16 मिनट उसमें प्लस किया। वाओ ग्रेट, मुझे लग रहा था ऐसे 24 25 30 मिनट हुआ, मैंने कहा यार ये तो अब चल पड़ी। तो ये चैलेंजेस है और जो भी पसंद आते हैं, सच बात है। थैंक यू सो मच शाहीन, बहुत अच्छा आपने, वाकई में पॉइंट ब्लैंक, थैंक यू, गुड गुड। अगर हम कहें तो जिंदगी को बेहतर करना है और सक्सेसफुल बनना है और ग्रो करते जाना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बीज जब हम बोते हैं तो वो पौधा बनता है, और वो धीरे धीरे वो एक वृक्ष यानी बन जाता है, पेड़ बन जाता है, जिसमें फल फूल बीज फिर से देता है वो, और सच पूछो तो वो दूसरों के काम भी आता है और उसी के साथ सबको छांव का काम भी करता है। तो हमें भी अपनी जिंदगी को कुछ इसी तरह बनाना चाहिए। तो अब आप अपनी जिंदगी को अनकंफर्टेबल ही रखिए। अब आप सोचो ये कैसी सोच है कि हम इतनी मेहनत इसलिए तो करते हैं कि ताकि इसके रिजल्ट्स अच्छे हो और कंफर्टेबली अपनी जिंदगी को, एक मिनट फोन आ गया था, ताकि इसके रिजल्ट्स अच्छे हो और कंफर्टेबली अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे ढंग से गुजार सके। यानी सही बात है ये। और हम मतलब थोड़ा सा सोचें, इमेजिन कीजिए कि फोकस है हमारा और उसका टारगेट हम वहां तक पूरा करते हैं और अपने सपनों के लिए काम करते हैं। तो सोचो कि फिर हमें, यानी अगर इन सब को हम भूल जाते हैं, यानी अपने ड्रीम्स को भूल जाते हैं, अपने फोकस को, अपने टारगेट को और अपने सपनों को अगर भूलते हैं और उनको सिर्फ या हमको एक कंफर्ट मतलब कंफर्ट जोन पसंद आता है, तो उसमें हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। जैसे कि चलते रहो जैसे तुम्हारे पीछे कोई बड़ी चट्टान लुढ़क रही हो, उस वक्त तक कि कभी ना रुके जब तक आप उसे चकमा ना दे दो। ये तरीका बहुत अच्छा है ये, यानी कि इस चीज को हमें समझना चाहिए। इसी के साथ साथ मैं बुलाना चाहूंगी, हमारे बीच है रमला साहा, तो मैडम आइए, आपका स्वागत है। रमला जी हेलो, गुड इवनिंग। मैं रमला शाह छत्तीसगढ़ से उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा प्यार भरा नमस्कार एवं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर इजिस मोदी सर का, एवं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ ऑन पैनलिस्ट का। टॉपिक है चुनौतियाँ। हमारा लाइफ ही है चुनौती। जब से हम पैदा होते हैं और आखिरी सांस तक हमें चुनौतियां लेना ही पड़ता है। चुनौतियां हमारे जिंदगी में ना जाने कितनी बार आती है, लेकिन चुनौतियों का सामना हमें पूरे जुनून, जोश और मेहनत से करना चाहिए। और एक दिन ऐसा आता है जब हमारा सपना हकीकत में बदल जाता है। अपना पूरा जीवन ही एक चुनौती है। जब तक हम जीते हैं, जीना है, तब तक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चुनौती तब भी बनी रहती है जब तक हम माँ के पेट में रहते थे कि बाहर आने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है और आखिरी सांस तक जीने के लिए हमको संघर्ष करना रहता है, चुनौतियां लेना पड़ता है। कभी हम भीतर से हताश निराश हो जाते हैं, कभी बाहर वाले लोग हमें निराश कर दिया करते हैं। कारण सिर्फ एक ही है, और बाहर है अंदर और बाहर की चुनौतियां। जब तक हम मन चाहा जो चाहते हैं वो होता रहता है, तब तक हम मस्त बने रहते हैं। पता ही नहीं चलता कि जब आनंद का मस्ती भरा समय कब और कैसे इतना जल्दी जल्दी बीत गया। मनुष्य को असल जिंदगी में कोई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे इसका सामना ना करना पड़े। ये चुनौतियां अपना रूप बदल बदल के
आपके सामने आ सकती है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका लक्ष्य क्या है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप हर चुनौतियों को डटकर सामना कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपका लक्ष्य जो है उसको आपको फोकस में रखना पड़ेगा। अक्सर ऐसा होता है कि लोग चुनौतियों का सामना करने से डरते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि वो इस चुनौतियों का सामना नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग चुनौती के आने से पहले ही हार मान जाते हैं, डर जाते हैं, उसके चुनौती के सामने अपना हथियार डाल देते हैं और अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे में आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, किसी भी परिस्थितियों में मनुष्य को बिना लड़े अपनी हार स्वीकार नहीं करना चाहिए। मनुष्य को हमेशा चुनौतियों का मुकाबला करना चाहिए। आपको उस वक्त बस ये याद रखना चाहिए, आपका बस सिर्फ आपका जो लक्ष्य है उसी को आपको फोकस में रखना पड़ेगा या याद रखना पड़ेगा। अगर आप अपने लक्ष्य को दिमाग में रखोगे तो हर चुनौतियों का सामना करने में आप सफल होंगे। इसके साथ ही आपको हर चुनौतियों में कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, कुछ सीख दे के जरूर जाती है। इसी वजह से आचार्य चाणक्य कहते हैं, चुनौतियां हमारे सामने बदल बदल कर आएगी। अगर तुम्हें अपना लक्ष्य याद है तो हर चुनौती, हर परीक्षा तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाएंगे। मान लीजिए कि आप कोई एग्जाम में देने के लिए जाते हो, आप उस एग्जाम में भले फेल हो जाते हो पर उस एग्जाम से आपको कुछ सीख मिलती है। आप फेल हो जाते हो, दूसरी बार जब एग्जाम देने बैठते हो तब आज पिछले एग्जाम में जब हार गए उससे भी आपको सीख लेके आप उस एग्जाम में पास हो सकते हो। इसलिए हमें हमेशा चुनौतियां लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। देखिए, एक सीधा साधा एग्जाम्पल वन पैसिव है। वन पैसिव में कितने सारे लोग 2-4 साल 3 साल से यहाँ पे है, बहुत सारे लोगों के सामने कितने सारे चुनौती आए होंगे। मैंने जब शुरू में वन पैसिव में ज्वाइन हुई थी तब वेबिनार अटेंड करती थी, उसमें कुछ कुछ लोग आते थे, कोई रिक्शा बेचने वाले, रिक्शा चलाने वाले थे, वो अपना रिक्शा बेच के वन पैसिव में ज्वाइन हुए ताकि यही सोच के कि आने वाले दिन उनके और उनके बच्चे के जीवन में बेहतर और दूसरे का रिक्शा चला के मतलब वन पैसे में ज्वाइन हुए। उन्होंने भी ये चुनौती लिया, कोई अपना घर बेचा और किराए पे रह के वन पैसे में ज्वाइन हुआ, ये भी तो एक चुनौती है। अगर इस चुनौती का उन्होंने सामना नहीं करते तो आज वो ब्रांड एम्बेसडर नहीं कहलाते। कितने सारे लोग कितने नेगेटिव मरे वीडियोज बनाते हैं, कितने नेगेटिव बातें करते हैं। अगर इसी बात को लेके ऐश मुफारे सर पकड़ के बैठ जाते कि लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो वन पैसिव कभी इतना डेवलप नहीं कर पाते। ये भी ऐश मुफारे सर के लिए एक चुनौती है और हम सब इस चुनौती का एक हिस्सा है। और आगे भी मतलब इस चुनौती हमारे लाइफ में जो भी चुनौती आएंगे हम सब उसका डटकर सामना करेंगे ताकि हमारे जीवन कुछ बेहतर हो, सबके लाइफ में खुशियां आ पाए। सो थैंक यू, ओवर टू नाजमा मैम। थैंक यू रमला जी, आपने बहुत अच्छी अपनी शेयरिंग रखी, गुड। मैं ठोकर खा सकता हूँ, गिर सकता हूँ, मैं रो सकता हूँ, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानूंगा, कल मैं दोबारा उठूंगा। शायद हम अपने पैशन को फॉलो करें तो अपनी डिजायर लाइफ मिल जाएगी, हमें ऐसा लगता है। जिंदगी में ऐसे भी मौके आते हैं कि हमें कुछ काम ऐसे मिलते हैं कि हमें वो करना ही है, तो वो करना ही पड़ता है। और बस एक छोटी लाइन, ये काम करना है और करना ही पड़ेगा, तो ये हमारे लिए ऐसी भी चुनौती आती है, राइट। इसी के साथ साथ मैं चाहूंगी, हमारे बीच सीमा जैन है, मैम आइए, आप अपनी शेयरिंग रखें, आप भी कुछ इसके बारे में बताएं। थैंक यू सो मच नाजमा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू टू इद्रिस मोदी सर, थैंक यू टू ऑन पैसिव जिसकी वजह से हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है, एंड थैंक यू ऑल पैनलिस्ट एंड ऑल दोज हु आर लिसनिंग, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं सभी को थैंक्स। शाहीन जी ने बहुत ही अच्छा बोला चैलेंजेस के ऊपर, रमला जी ने बहुत अच्छा बोला। अब इसके बाद बहुत कुछ बोलने के लिए रह नहीं जाता है, लेकिन फिर भी एक रिमाइंड के तौर पर कि भाई चैलेंजेस हमारे जीवन में जन्म लेते ही शुरू हो जाते हैं। बच्चे के लिए चलना एक चैलेंज है, स्कूल जा रहे हैं तब वहां पर
अपना परफॉर्मेंस अच्छा देना एक चैलेंज है, उसके बाद आपका कॉलेज लाइफ हो गया, उसके बाद आपकी मैरिड लाइफ, आगे उसके बच्चे, ये जो एक जीवन है ये हर दिन एक चैलेंज है। लेकिन फिर भी कई लोग अपने इस चैलेंज में खुश कैसे रहना है, ये इतने जो चैलेंजेस हम लेते हैं लाइफ में हर दिन एक, तो हमारा आने वाला दिन पिछले दिन से या आज हमारा बीते हुए कल से बेटर हो, ये एक संकल्प लेके हमें जीना है। तो हम अपने लाइफ में जो भी चैलेंजेस हैं उसको हम फेस भी करेंगे और उसमें सक्सेस भी मिलेगी। चैलेंजेस तो हमेशा लाइफ में हर दिन आते हैं, हर पल आते हैं, लेकिन उसको फेस करना और उसमें विजयी होना, ये जो रिजल्ट सबको चाहिए होता है, और उसके लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना बहुत जरूरी है, आशावादी रहना जो बहुत जरूरी है, जिसे हम बोलते हैं बीइंग पॉजिटिव, पॉजिटिव थिंकिंग, अपनी सोच पॉजिटिव रखिए, गॉड इज विथ मी, इस सेंटेंस के साथ जिए कि हाँ भाई कितना भी मुश्किल आए ऊपर वाला मर सकता है। ये जो सारे हम टॉपिक्स नई दिशा में कवर कर रहे हैं ये हमें मोटिवेट करता है, और जब हम इसके ऊपर बात करते हैं और लोगों को सुनते हैं तो हमारा नजरिया और ब्रॉड हो जाता है। ये तो सबको पता है, बहुत कॉमन सी चीज है, लेकिन जब हम औरों को सुनते हैं तो हमारा और नजरिया भी बढ़ता है और एक अलग हिम्मत मिलती है अपने लाइफ के चैलेंजेस को फेस करने के लिए। ऑन पैसिव में हम आए हैं और ऑन पैसिव के साथ जितने भी लोग अभी तक जुड़े हुए हैं सभी के लिए हर एक दिन एक चैलेंज है, और वो चैलेंज को एक्सेप्ट किया हुआ है कि हाँ भाई जब तक हमें हमारी मंजिल नहीं मिल जाती हम इसके साथ हैं। ये एक चैलेंज है ऑन पैसिव के साथ बने रहना, जब तक मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे हम साथ में बने हुए हैं, और उस साथ में पॉजिटिव माइंडसेट कैसे रखना है, हम जितना वेबिनार्स हम अटेंड करेंगे, जितना वो भी जितने अलग अलग तरीके वेबिनार्स, हर जगह से आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, नया सीखने को मिलता है, तो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना और उसमें सक्सेस पाने के लिए पॉजिटिव माइंडसेट होना, अपने आप को एनर्जेटिक रखना, ऐसे लोगों के साथ, आशावादी लोगों के साथ जुड़े रहना, कामयाब लोगों के साथ जुड़े रहना। वो बोलते हैं कि जब आप ये स्टडी की गई है कि एक इंसान पांच इंसान जो जिनके साथ वो ज्यादा समय रहता है उसका एवरेज रहता है। तो सक्सेस के लिए का जितने भी हमारे लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करने के बाद उसमें सक्सेस के लिए हमें ऐसे लोगों को, जिस भी फील्ड में हम हैं ऐसे लोगों का साथ लेना है, ऐसे लोगों के साथ नॉलेज भी अपनी बढ़ानी है, और सक्सेस फिर बिल्कुल गारंटी हो जाती है, गारंटीड सक्सेस जिसे बोलते हैं चैलेंजेस के साथ। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, आप सबने मुझे सुना, ओवर टू नाज़मा मैम। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छी शेयरिंग रखी, थोड़ी कम रखी, हमें उम्मीद आपसे ज्यादा थी, बहरहाल नेक्स्ट टाइम सुनेंगे आपको। और आज का टॉपिक टेक चैलेंज की है, तो हम कैसे अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं और हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं और हम कैसे कामयाबी की ओर चल सकते हैं। तो हमको क्या करना है, अपना वही जैसे शाहीन मैम ने बताया कि हम अपना कंफर्ट जोन को छोड़ना है, यानी करना ये है कि हम कुछ हासिल कर भी लें और लेकिन थोड़ी सी अचीवमेंट जैसे लोगों को मिल जाती है तो क्या होता है कि वो थोड़ी अचीवमेंट से लेते ही वो सुस्त हो जाते हैं, यानी सुस्त पड़ जाते हैं और अपना फ्यूचर बर्बाद कर लेते हैं और हमारी तरक्की के लिए रुकावट आ जाती है, और इसी जिंदगी को ही अपनी लाइफ में यानी कि जो ये हम अचीवमेंट पाई हमने थोड़ी सी, उसी को हम अपनी जिंदगी समझ लेते हैं, जिसकी वजह से हम अपना फ्यूचर बेहतर नहीं बना पाते और अपने दिमाग यानी क्या डर यानी मेंटलिटी की सोच की वजह से हम अपने अंदर चेंज नहीं ला पाते।
तो ये एक बहुत बड़ा कारण है हमारी, मतलब जो हम जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। इसी के साथ साथ मैं चाहूंगी हमारे बीच है संपा सरकार जी, आए मैम अपनी शेयरिंग रखें। थैंक यू नजमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संपा सरकार, तो आज नई दिशा में मैं सबका नमस्कार करती हूँ, वेलकम करती हूँ। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही जबरदस्त है, चैलेंजेस। टेक चैलेंजेस वो तो हम हर रोज लेते हैं कि खाने का पीने का जिंदगी, मतलब जिंदा रहने के लिए हमें हर वक्त किसी ना किसी चैलेंज का सामना करना ही पड़ता है हर वक्त। तो नजमा जी, साइन जी और रमला जी, सीमा जी बहुत सब कुछ बता दिया। मैं छोटा सा एक कहानी बताती हूँ जो चैलेंजेस के लिए, क्योंकि गॉड इज विथ मी, गॉड हमारे साथ है, गॉड सबको एक ही नजरिया से देखते हैं। लेकिन इसका मतलब हम चैलेंज नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। इसका रिगार्डिंग ये कहानी, एक बूढ़ी औरत जो बहुत ही मर गई और बहुत सारा जिंदगी भर अच्छा काम किया है, तो मर गई। तो मरने के बाद उसको जमदूत उन्हें लेने आए, तो फिर बूढ़ी पूछा जे बेटा मुझे कहाँ लेके जाओगे, स्वर्ग में या नरक में? तो बोला माता जी आप जिंदगी भर अच्छा काम किया तो आपका स्वर्ग में भी नहीं लेके जाएंगे, नरक में भी नहीं, आपको सीधा भगवान के चरणों में आपको लेके जाएंगे। तो बूढ़ी बोले ठीक है बेटा, मुझे ना स्वर्ग नरक के बात सुनते हैं तो मुझे एक बार देखना है स्वर्ग कैसा है नरक कैसा है। तो बोले ठीक है अम्मा जी, जाते जाते आपको रास्ते में मिल जाएंगे। तो जाते जाते पहले नर्क मिला, तो वही पे जो आत्मा रहती है बहुत ही दुखी और कैसे सुखा, बहुत दुखी, लेकिन वह जो वातावरण था बहुत अच्छा था, सुंदर, बहुत बड़े एक कढ़ाई पे बहुत अच्छा सुस्वादु खाना बना हुआ था, उसका सेंट भी आ रहे थे, लेकिन फिर भी पेड़ पौधे बहुत बहुत सुंदर वातावरण था, लेकिन फिर भी वही वहाँ का जो आत्माए है बहुत दुखी और बहुत ही बीमार टाइप का। तो वो देख के फिर चले गए स्वर्ग की तरफ, तो स्वर्ग में देखा एकदम वातावरण सेम टू सेम, वही बहुत बड़े कड़े पे कुछ खाना बना हुआ है, इससे बहुत अच्छा सेंट आ रहे और परिवेश इतना अच्छा है, पेड़ पौधे, तो वही पे आत्मा सब सुखी है, बहुत सुखी है। तो फिर वो देख के बूढ़ी अम्मा जो है किसी से पूछा जे बेटा ये बात तो सब एक ही है, तो आप लोग इतना खुश क्यों हो? तो बोला जो जो नरक में जो था आत्माएं, उन्होंने बोला हम खाना नहीं खा पाते, देखिए कितना ऊपर खाना है, हम कैसे खाएं, हम खाना नहीं खा पाते। तो और जो स्वर्ग में था वो सब आनंद में था, उनसे पूछा जो आप कैसे खाना खा पाते हो, इतना ऊपर कढ़ाई में जो खाना रखा है। तो बोले देख माता जी देखिए ना कितना पेड़ पौधे है, हम सब मिलके एक बड़ा सा सीढ़ी बनाया, सीढ़ी बना के हम वहां से खाना लेके हम खाते हैं। तो भगवान के पास जाके भगवान बोला देखो मैं किसी गरीब अमीर ऐसे नहीं देखती, मैं सबको समान नजरिया से देखता हूँ, लेकिन जो
मेहनत करता है, जो चैलेंज एक्सेप्ट करता है, वही जिंदगी में खुश रहता है, वही अच्छा जिंदगी जी सकता है। तो ये लोग अपना चैलेंज एक्सेप्ट किया, अपने काम किया और अच्छे जिंदगी जी रहे। तो एक हमारा मेरा कहानी का मतलब यही है, जो हम अगर जिंदगी में चैलेंज को एक्सेप्ट करें तो हमें जरूर सफलता मिलेगा। और जो जो इंसान अपने बुराइयां सुन सकती है ना, सुन के सहन कर सकती है, चुप रह सकती है, वो पूरा दुनिया जीत सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जो हमें कितने लोग कितने कुछ बोलते हैं, फिर भी हम अगर उन्हें जवाब उस टाइम ना दिया, बाद में वो खुद उसके पास जवाब चला जाएगा। आज हमारे ऑन पैसिव में हम बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे लोग हमें बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन हमें अभी कुछ भी जवाब नहीं देना है, क्योंकि जवाब उनको मिल जाएगा टाइमली। हमें अपना चैलेंज को एक्सेप्ट करना है जिंदगी के लिए। अभी जो हम जो काम कर रहा है, वही काम हम अपने चैलेंज के तरीके से हम करें, वही काम एक्सेप्ट करें। और ऑन पैसिव तो हमारे आने वाले ही है, हमारे जिंदगी सुधारने के लिए। वो चैलेंज तो ऑलरेडी हमने सब कुछ सबने ले लिया है। तो यही है हमारा चैलेंज का जो नजरिया रास्ता, बस मैं यही बोलना चाहती हूँ। थैंक यू नजमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच संपा जी, आपने बहुत ही अच्छी शेयरिंग रखी है अपने, और वाकई में एक्सेप्ट करना चाहिए। यही मतलब यस, बस एक ही शब्द है कि यू कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, राइट। सबसे बढ़िया बात है, अगर आपको कुछ जिंदगी में करना है तो अपने आप को काम पर लगाना होगा, और जिम्मेदारियां सबसे बड़ी चीज है, जिम्मेदारियां निभाना चाहिए। अगर जिम्मेदारियां निभाते हैं तो आप कामयाब होते हो। खुद को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, खुद की यानी कि अपने ख्वाबों की, यानी अपने सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जिम्मेदारी का जो रोल है बहुत ही शानदार होता है, बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जब हम कोई जिम्मेदारी लेते हैं अपनी या किसी की, तो वो जिम्मेदारी पूरी करने के लिए हमारे साथ हमारा रब भी होता है। और सच बात है, काम को ना टालें, आज के काम को कल पर बिल्कुल ना टालें, मैं कल करूंगा ये तो बिल्कुल ना करें। और इसी के साथ साथ मैं चाहूंगी कि हमारे बीच में हमारे जो स्पीकर हैं मिस्टर श्रीनिवास जी, नहीं श्री श्री क्या श्री विकास श्रीवास्तव जी, सर विकास, ओके थैंक यू सो मच, वेलकम सर। मेरी थोड़ी सी आवाज खुल गई है, मैं आज सुबह से हॉस्पिटल में थी, मेरी आवाज बिल्कुल दबी पड़ी थी, आपने अंदाजा लगाना, मैंने कुछ पी लिया इस टाइम, तो एनर्जी आ। ओके थैंक यू लाजमा मैम, सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने जो मुझे आमंत्रित किया, और निश्चित ही है आपकी होस्टिंग में कुछ शेयर करना एक ये भी एक होता है, एक दबाव होता है, स्पेशली जब साहिन मैम उसमें प्रेजेंटर हो, और सीमा मैम, संपा मैम या रमला मैम जब अपनी एक विचारों की अभिव्यक्ति देते हैं, तो निश्चित ही है एक दबाव तो बनता है कि अब बेटर क्या बोलना है। और जैसा कि टॉपिक है चैलेंज को एक्सेप्ट करना, तो वाकई में सभी लोगों ने इतना अच्छा बोल दिया है, और चैलेंज तो हम आपकी लाइफ में प्रतिदिन आते ही रहते हैं, परिस्थितियां हैं, व्यक्ति का जब जन्म होता है तभी तक वो ठीक है, जब सारा जी बचपन का उसका जो टाइम है वो खेलकूद में जरूर बीतता है, तो वहां तक ही उसके साथ सब कुछ सही रहता है। बाद में जैसे ही वो विद्या अध्ययन के लिए स्कूल में जाता है, तो स्कूल में आवश्यक परिश्रम या बहुत सारी उसके अपने उम्र के हिसाब से बहुत सारे उसको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, तो वहाँ भी वो अपने चैलेंज को सर्वाइव करता है। उसके बाद जब कॉलेज लाइफ शुरू हो जाती है, वहाँ मित्रों से भी मिलना जुलना होता है, तो यहाँ पर भी एक
परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि जहां बात मैंने की मित्रों की, तो निश्चित ही है यहां पर भी एक चयन एक बड़ा सावधानी पूर्वक होता है। कभी कभी हम मित्रता में हमें हमारी गलत हो जाती है, कभी अच्छी भी हो जाती है, अच्छे मित्र तो जिंदगी बना देते हैं लेकिन गलत मित्रता भी हो गई तो वहां पर भी तकलीफों का भी सामना करना पड़ता है। तो ये सब चीजें चैलेंजेस आते हैं। उसके बाद वो गृहस्थ जीवन जीता है, परिवार बनाता है, अपने अपने परिवार का भरण पोषण के लिए जीविकाएं करता है, माता पिता है वो वृद्ध हो जाते हैं, संतान की उत्पत्ति होती है, उनको बेटर एजुकेशन, तो ये पूरा जो चक्र है इन सब को निभाने के लिए वो जीविका के साधन को तो अपनाता ही है। कभी कभी क्या होता है कि जब एक्सपेक्टेशन फैमिली से या उसकी स्वयं की जब बढ़ जाती है तो अत्यधिक धन कमाने में या एक एक पोजीशन को पाने में कभी कभी एक माइंड है, विचार है, कभी सही चले जाते हैं कभी गलत भी चले जाते हैं। तो अगर गलत दिशा में विचार चले जाते हैं तो जैसे कि कालाबाजारी, रिश्वतखोरी, तो इन सब में भी वो फंस जाता है, तो वहां पर भी कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं। तो ये पूरा कहने का आशय है कि जीवन है, लोग सच ही कहते हैं, किसी ने सच ही कहा है कि संसार फूलों की सैया नहीं है, ये कांटों की सैया है। तो यहाँ पर पल हर पल आपको जो है चैलेंजेस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे और आपको तत्पर भी रहना पड़ेगा। अब ये सच जो है हमें एक्सेप्ट करना है और इसके हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। कहते हैं ना, चुनौतियां जब जीवन में आती हैं तो वो हमारी काबिलियत देखने के लिए आती है, हमारी काबिलियत को बढ़ा जाती हैं। तो वहाँ पर एक पॉजिटिव विजन हमें ये रखना है और जब हम चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं उस पर हम आवश्यक सॉल्यूशंस निकालते हैं तो हमारा क्या है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और एक विश्वास आ जाता है कि हाँ अब कोई भी चैलेंज अगर आता है मुझके पर या इसी टाइप का चैलेंज अगर मेरे किसी सानिध्य व्यक्ति के पास आता है तो मैं उसको जो एक बेटर सॉल्यूशन दे दूंगा और मैं खुद इस सॉल्यूशन से निकल आऊंगा। दूसरी चीज क्या है कि जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं तो अगर हम उसमें सफल हो जाते हैं तो सेल्फ मोटिवेट भी हो जाते हैं और ये मोटिवेशंस क्या है हमें पूरा एक तत्पर कर देता है आने वाले जितने भी अच्छे पास चैलेंजेस हों, छोटे हों बड़े, चैलेंजेस भी हर सब टाइप के होते हैं, तो उनके लिए क्या वो तत्पर कर देता है कि आप मोटिवेट हो जाते हो कि हाँ इन चैलेंजेस से हम अच्छे तरह से सामना कर पाएंगे। और चैलेंज होता क्या है, देखिए हमेशा हार्ड होता है कोई भी चैलेंज, नाम ही है चुनौती, तो जो भी जिस टाइप का चैलेंज आया तो आपके हिसाब से यानी आपकी एक्सपेक्टेशंस या आपके कार्य और सामर्थ्य वो बड़ा ही है तो दैट मीन्स आपके हिसाब से वो हार्ड हुआ। तो ये चैलेंज होता हार्ड जरूर है लेकिन अगर आप इसको एक्सेप्ट करके सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, उसको पार कर ले जाते हो तो ये आप अपने कर्मों से अपने प्रयासों से इसको इजी बनाते हो। और सफलता की अगर बात की जाए तो सफलता मधुर और मीठी तब हो जाती है जब देर हो। जैसे कि उदाहरण के लिए अभी हम सब लोग क्या है वो अभी ऑन पैसिव का भी सब लोगों ने जिक्र किया, उसमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। हम सभी लोग लगभग 4.5 साल से सभी लोग एक विजन को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इसके विजन को शेयर कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, टेक्निकल सेशंस लिए जा रहे हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स की बात की जा रही है। तो यहाँ पर क्या है कि एक टाइम भी लगे, लोग कहते हैं कि कब 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 या पेशेंस कितना सारी चीजें, लेकिन उसका एक सिंपल का आंसर यही है कि सफलता मधुर और मीठी तब हो जाती है यदि लंबे समय तक देर हो और कठिन परिश्रमों को के बाद या संघर्षों के बाद या हार के बाद अगर आपके माध्यम आपको ये सफलता मिल रही है तो निश्चित ही बहुत सुनहरी होती है, सार्थक होती है और लंबे समय तक चलने वाली होती है। तो निश्चित ही है इन सब चीजों का भी हमें गौर करना चाहिए जब भी हमारे पास चुनौतियां आए। बहुत सारे तूफान आते हैं लाइफ में, उनको हमें पार करना होता है और हर तूफान से जब आप पार कर पाएंगे, तूफान से ऐसा है जो भी हर स्ट्रगल से जो भी चैलेंज से अगर आप पार कर जाएंगे तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास की बढ़ोतरी हो जाएगी। और इन सभी बातों के लिए 2-3 चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे पहली चीज क्या है कि हमें अपना मॉर्निंग रूटीन बदलना होगा, यद्यपि मैं भी नहीं कर पाता हूँ लेकिन ये बदलना जरूर होगा कि मॉर्निंग रूटीन हमारा क्या है, कितने बजे हमें उठना है, हमें कब जिम जाना है, योगा मेडिटेशन या दिन के हमें जो भी हमें आवश्यक कार्य होंगी क्या रूपरेखा वो हमें तय करनी होगी। और दूसरा कि साइन मैम ने भी जैसे कहा था कंफर्ट जोन से बाहर आना, तो हम सभी लोग क्या है कंफर्ट जोन में आकर उसी में रहकर ही एक कार्य करना पसंद करते हैं, तो यहाँ पर हमें ये भी करना चाहिए क्योंकि इससे हम क्या रचनात्मक होंगे और हमेशा रेडी रहेंगे कि हाँ कंफर्ट जोन हो या ना हो हमेशा रेडी रहेंगे कि चुनौतियों को हम स्वीकार कर ले रहे हैं। और एक चीज बहुत जरूरी हो जाती है कि बिना मन का कोई भी कार्य है बिना मन के भी हमें करना आना चाहिए, तो वो भी एक चुनौती है। जैसे उदाहरण के लिए जैसे
बॉसलाइडोन है, कोई कार्य चुन लेती है और तीन चार दिन किया, दस दिन किया, पंद्रह बीस दिन किया, उसके बाद एक उनके अंदर एक निराशा, एक आलस्य या जो कुछ भी बातें आ जाती हैं, तो यहाँ पर ये भी चैलेंजेस एक्सेप्ट करने चाहिए। तो अगर ये तीन चैलेंजेस हैं, मॉर्निंग रूटीन्स का या कंफर्ट जोन से बाहर आने का, और तीसरा बिना मन के भी काम को करना जरूरी हो, अगर ये तीन चैलेंजेस को अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बहुत कुछ उद्देश्य सार्थक हो जाता है और बहुत कुछ आत्मविकास हो जाता है, जो सफलता के लिए और व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत जरूरी होती है। तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद दूंगा यहाँ पर कि आप सभी लोगों ने मुझे धैर्य और शांति सुना, और सर डॉक्टर हरदीश मोदी सर को मैं बिल्कुल निश्चित ही धन्यवाद दूंगा, और विशेष रूप पर आज के टॉपिक का जो सिलेक्शन हुआ है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बैकहेंड पर जो भी हमारे नई दिशा का परिवार है, स्पेशली साहिन मैम, नाजमा मैम या सरवनंद जी, संपा मैम, कुजिमला मैम, सीमा जी या पूरा नई दिशा परिवार, तो इनका भी बहुत धन्यवाद। आज के विशेष टॉपिक के लिए मैं बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मुझे व्यक्तिगत मिला। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बैक टू नाजमा मैम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, आपने ये माइक बंद करें। नरेंद्र जी, नरेंद्र जी आप, हाँ नाजम मैम उनका माइक ऑफ हो नहीं रहा इधर से। नरेंद्र जी आप अपना माइक ऑफ रखिए प्लीज। ओके कंटिन्यू प्लीज मैम। हाँ थैंक यू सो मच सर, विकास सर आपने बहुत ही अनमोल बातें बोली, अनमोल शब्द बोले, सच बताऊं तो बहुत ही अच्छे थे। और आपने देखा होगा कि स्कूल हो या कोई भी कंपनी हो या कोई भी हम ट्रेनिंग ले रहे हैं या कोई हमारे गोल्स हैं, तो उसमें भी एक चैलेंज हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। एक सबसे बड़ा रोल ये होता है हमारी जिंदगी में कि मान लीजिए कोई गेम्स है वगैरह है, तो उसमें हमको जब आगे बढ़ना होता है तो इस सब के लिए हमको टाइम सेट करना पड़ता है, अपने आप को मैनेज करना पड़ता है कि हम ये चीज हम कितने दिन में अचीव कर सकते हैं या हम कितने दिन में इसको सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्कूल में अगर हमको एग्जाम देना है, 20 क्वेश्चंस हमने पूरे करने हैं, तो उसको हमने टाइम से कलेक्ट करना है और अपनी राइटिंग को स्पीड तैयार करनी है, मतलब समथिंग ये सब चीजें हमको करनी पड़ती हैं। ट्रेनिंग में भी कुछ इस तरह के हम जैसे आज सेशन ले रहे हैं, तो इससे पहले ये जरूरी नहीं है कि हमारे माइंड में सारी चीजें आती हैं, क्योंकि जब हम जर्नली बात करते हैं तो जर्नली जो माइंड आता है वो बोलते चले जाते हैं, लेकिन हमें जब हमारे दिमाग में ये होता है कि हमें कुछ ज्यादा बोलना है, ज्यादा कुछ बात करनी है, तो हमने क्या करना होता है, कुछ कोई पॉइंट्स लिख लेता है, कोई डिटेल्स में लिख लेता है, कुछ मतलब अपना अपना हुनर है, तो ये सब चीजें हमारे सामने आती हैं और अपने गोल को तक पहुंचने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ता है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम जो लोग सुबह सवेरे उठते हैं अक्सर वही कामयाब होते हैं, और होते ही वही लोग हैं, और जो सुबह सवेरा नहीं उठते उनकी जिंदगी का मैं समझती हूँ ना तो कोई गोल है, ना कोई उनका विजन मिशन नहीं है, तो वो सब बेकार है। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू कांटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू अपनी जिद पे अड़ तो सही। तो ये बड़े शब्द मुझे बड़े प्यारे और अच्छे लगते हैं, वाकई में एक जुनून जोश आता है। इसी के साथ साथ मैं चाहूंगी, हमारे बीच है सर्वेंद्र जी, सर्वेंद्र कुमार जी, सर आइए अपनी शेयरिंग रखिए। सर ओके जी, थैंक यू मैम, आपने मुझे इनवाइट किया जी। और आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, चैलेंजेस, और सर जो मैं बहुत अच्छे से बताई दिया सर ने बहुत अच्छे से इनवाइट किया। देखिए जीवन में जब भी व्यक्ति जन्म लेता है और अंतिम तक उसके जीवन में हमेशा चैलेंज रहते हैं, और जो व्यक्ति चैलेंजेस लेता है वही व्यक्ति कामयाब रहता है। जिसके जीवन में चैलेंज नहीं है वो व्यक्ति ही बेकार है, उसके जीवन में वो कुछ नहीं कर सकता। तो जितने भी चैलेंज आते हैं तो ये समझिए कि वो कुछ ना कुछ अवसर लेके आते हैं, तो ये हमेशा देखना चाहिए। और देखिए चैलेंजों को हमेशा स्वीकार भी करना चाहिए, उसको कभी भी पीछा नहीं छुड़ाना चाहिए। जो व्यक्ति चैलेंज को एक्सेप्ट करता है तो व्यक्ति बहुत आगे तक जाता है। जैसे मान लीजिए जैसे हमारी ऑन प्रेसर है, हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था 3 साल हम लोगों ने को आए हैं, उस टाइम ऑन प्रेसर की वेबसाइट तकनीक थी, और देखते देखते पूरी टीम भी बनाई, वहां से बहुत सारे सवाल आते टीम के, उनको हम बताते हैं इस तरीके से। तो हम लोग ये हमारे लिए चैलेंज है, क्योंकि हम लोगों को एक पैसा नहीं मिल रहा है, और वहाँ पे हम देख रहे हैं कि इतने सालों से लगे हुए हैं, जानकारी लेते हैं और लोगों को जानकारी देते हैं, और यही मेरे लिए चैलेंज है। लेकिन जैसे कि साइन मैम ने बताया था कि हम लोग कहते हैं पागल, तो पागल क्या है, पागल ही इतिहास रखते हैं। कहावत भी है कि जिस जिसने कल जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है, तो हम लोगों भी इतिहास रचेंगे।
है ना, जो व्यक्ति, क्योंकि दुनिया में 5% ऐसे लोग होते हैं जो कि बिजनेस करते हैं और 95 लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस को जॉब करते हैं। तो जो जॉब करते हैं वो लोग मतलब इतना उनके अंदर डर रहता है कि वो बहुत सारी चीजें वो उनके अंदर नहीं होती है कि वो लॉस उठाने के कगार पे हों, है ना। और जो 95% ऐसे लोग होते हैं जो बिजनेस करते हैं उनको लॉस भी होते हैं फायदे भी होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बेनिफिट उन्हीं को होता है। तो ये सारी चीजें हैं और बहुत अच्छा टॉपिक है। तो देखिए हम लोग लाइफ में जैसे बच्चों की पढ़ाई हो गई और घर बनवाना है, मतलब गाड़ी लेनी है, गाड़ी किस्त देनी है, तो इनके कंटिन्यू हम लोगों को उसका निर्वाह करना पड़ता है। अगर हम उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे तो मेरे लिए सब बेकार। तो इंसान हमेशा घुट घुट के जीता रहता है क्योंकि उसको रिस्क लेने की क्षमता नहीं होती और रिस्क भी लेनी चाहिए। रिस्क लेते लेते चुनौतियों को एक्सेप्ट करता रहेगा व्यक्ति, क्योंकि हर चुनौती हर व्यक्ति के सामने एक नया अवसर लेके आएगा और कहीं ना कहीं उसके पीछे उसको एक नई कामयाबी उसके पीछे छिपी होती है। तो हमेशा उसको सामना करना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल मान लीजिए, किसी का आपने सिलेंडर लिया और उसका मतलब आपने कोई टाइम दे दिया, इतने टाइम तक हम आपको वो अमाउंट लौटा देंगे, एक एग्जाम्पल। तो उस टाइम उसका फोन आ जाता है, आपके पास व्यवस्था नहीं होती है। अगर आपने मोबाइल अपना स्विच ऑफ करके रख दिया या उसका मतलब कोई जवाब नहीं दिया, तो समझिए आपके अगर उसके आपने सामना नहीं दिया तो आपके लिए ये बहुत भारी पड़ जाए। हो सकता है वो व्यक्ति आपके घर आ जाओ, किसके आ जाओ, लेकिन अगर आपके व्यवस्था नहीं हो रही तो उसको तुरंत उसको फोन करिए अपनी तरफ से और उसको बात कर लेंगे। तो भले ही आप एक महीना दो महीने भी निकल जाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करिए। अगर हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया और अगर पीछा छुड़ाने की कोशिश की, वो आपके लिए बहुत ताकत है। तो यही है कि जो भी चैलेंजेस आए जीवन में उसको एक्सेप्ट करिए और हमेशा आगे बढ़िए। ओवर टू थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी शेयरिंग रखी। सच बात है कि अगर किसी का विजन और मिशन नहीं है, और बहुत लोग ऐसे हैं जिनके बगैर अपनी जिंदगी को बगैर विजन और मिशन के गुजार देते हैं, तो उसका कोई मतलब फ्यूचर ही नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि शाहिन मैम ने भी बात करी मिस्टर ऐश मुफारे की, कि उनका एक विजन और मिशन है जिसको लेके वो चल रहे हैं। तो यानी कि उन्होंने जो एक बीज बोया है वो आप देख रहे हैं वो किस तरह ग्रोथ कर रहा है, और हम सब उसके फाउंडर्स हैं, तो हम सब चीजें ये बनते हुए देख रहे हैं। और हम लकी पर्संस हैं कि आज हम इस कंपनी से जुड़े हुए हैं, ऑन पैसिव कंपनी से जुड़े हुए हैं, जो हम ये चीजें देख रहे हैं और समझ पा रहे हैं। और सच पूछो तो टेक्नोलॉजी के जमाने में आज की जो टेक्नोलॉजी है उससे हम लोग रूबरू हो रहे हैं, और अपने आप को कंपनी के साथ साथ जैसे जैसे वो आगे का सोच रही है, अभी हम लोग इतना नहीं आए हैं, लेकिन हम उसके साथ साथ अपने आप को भी अपडेट करते जा रहे हैं। कि आज हम किसी और से तुलना करें जो इस बारे में नहीं जानते, अभी तक एआई के बारे में नहीं जानते, आईटी कंपनी के बारे में नहीं जानते, आईटी क्या चीज होती है, एआई क्या चीज होती है, तो उस हिसाब से हम लोग काफी अपडेट हो गए हैं। और सच बात तो ये है, कामयाबी के लिए कोई लिफ्ट नहीं होती, आपको सीढ़ियां चढ़नी ही पड़ती हैं। तो हमें ये सब चीजें सीखनी पड़ेंगी और समझनी पड़ेंगी। और ये जो प्लेटफॉर्म है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का है, तो इसमें भी हम लोग अपनी पर्सनालिटी को यकीनन तौर पर, जिस तरह की हम देख पा रहे हैं कि सभी आपस में मेहनत कर रहे हैं और नए नए टॉपिक के साथ पूरा हिस्सा लेते हैं और कुछ ना कुछ वो रेडी करते हैं, चाहे वो 2 शब्द हो या 10 शब्द हो या 1 घंटा या आधा घंटा, लेकिन वो प्रिपरेशन करके आते हैं और बोलते हैं, अपना बेस्ट देते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है, यही एक चैलेंज है जो ये सब हम सब इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और हम चाहेंगे इसको और ज्यादा हम टाइम लिमिट के हिसाब से और अच्छा बेहतर करके दिखाएं। इसी के साथ साथ मैं चाहूंगी, हमारे बीच हैं दिनेश जी, सर आए अपनी शेयरिंग रखें आप भी। दिनेश बहुत बहुत धन्यवाद मैम, वेलकम जी। जी मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर्वप्रथम तो सभी का यहाँ स्वागत है, और डॉक्टर इदरीस मोदी सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, इन्होंने जो इस तरीके का डेवलपमेंट का यहाँ प्लेटफॉर्म दिया है, जिसके माध्यम से मैं आप सभी लोगों के बीच में बोल पा रहा हूँ, सीख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। और आज हमें बहुत बड़ी सीख मिली है, चैलेंज। चैलेंज अगर देखा जाए तो जिंदगी बहुत बड़ा है, और अगर अपने जीवन में ठान लो तो कुछ नहीं है। हमें सबसे ज्यादा सीखने को आज अगर हमें कहीं मिला है चैलेंज के बारे में, तो मुझे अपनी बच्ची से सीखने को मिला है। मैंने जिंदगी में बहुत चैलेंज लिए, उनको एक्सेप्ट भी किया है और काम भी किया है और उस चैलेंज को पार भी किया है, लेकिन एक हमारी छोटी सी बच्ची है
उसी का उदाहरण मैं देते हुए आपको बताऊंगा। हमारी परी है, कोरोना के टाइम बेचारी बहुत परेशान रही, कक्षा 3 में पढ़ती थी, 3 साल उसने का गैप हुआ। इस वर्ष उसका मैंने एडमिशन क्लास 7th में करवाया और पढ़ी, पढ़ने में अच्छा है। पहले एग्जाम हुए 6 मंथ के, तो किसी बच्ची ने उसके साथ चीटिंग की, उसके पेपर फाड़ लिए, उसका 2nd नंबर वहां आया। बड़ी दुखी हुई कि पापा मैंने बहुत मेहनत की, मैं फर्स्ट क्यों नहीं आया। उसने चैलेंज दिया, प्रिंसिपल के पास गई, मुझे भी ले गई कि इसने मेरे साथ चीटिंग की, मैं फर्स्ट हूँ। प्रिंसिपल ने कि बेटा आप मेहनत करिए, आप फर्स्ट आए। उन्होंने कहा नहीं, मुझे इसी एग्जाम में फर्स्ट आना है। प्रिंसिपल बोली क्या करें, उन्होंने कि आप फिर दोबारा एग्जाम कराएं। उन्होंने कहा नहीं, इंटर कॉलेज है, प्रिंसिपल ने एक एग्जाम करवाया पूरे विद्यालय का, उस पूरे विद्यालय के एग्जाम में परी हमारी फर्स्ट आई। बड़ी खुशी की बात, बड़ा उसका मनोबल बढ़ा। इस एग्जाम में उसने इतनी मेहनत की, वो अपने क्लास में टॉप आई, 96% उसके नंबर आए। उसकी लगन, मेहनत और चुनौती को देख के मैं इतना खुश हुआ, उससे मुझे इतना सीखने को मिला, मैंने कि ये मेरी बेटी जब कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। आज 4-5 दिन हुए रिजल्ट को आए हुए, मैं कुछ कॉन्सेप्ट में व्यस्त था, बिजनेस में था, मैं अपने चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, तो मैं हार मान रहा था कि मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, कहीं ना कहीं मैं पीछे हट रहा था। लेकिन उससे मुझे ये सीखने को मिला कि जब बेटी अगर ठान लेती है तो वो कर सकती है, छोटी सी बच्ची है 12 साल की, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो जिंदगी में चुनौती को एक्सेप्ट करना चाहिए, और जिस चुनौती को जिसने एक्सेप्ट कर लिया वो आगे बढ़ जाएगा, 100% बढ़ जाएगा। जिंदगी में एक चीज है कि अगर मान लो तो हार है, और ठान लो तो जीत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी शेयरिंग रखी, बहुत ही शानदार रियली। जैसा कि कहा जाता है कि जब आप ख्वाब देखना छोड़ देते हैं तो आप जीना छोड़ देते हैं, और आपने जो बच्चे की मिसाल दी, वाकई में ऐसे ही होता है। एग्जाम जिसे कुछ करना होता है, ये बच्चों का लाड भी होता है, प्यार भी होता है, कि माँ बाप हमको इतना लाड दिखाते हैं, प्यार दिखाते हैं, तो उनको बेस्ट करके दिखाते हैं। जितना हम बच्चे को अच्छे से डील कर पाते हैं, उसको समझ पाते हैं, उससे प्यार कर पाते हैं, तो बच्चा वो एक्साइटेड रहता है, बच्चा उसको खुशी रहती है कि उसके मतलब माँ बाप ने उसको प्यार देते हैं, तो वो कोशिश करता है, वो कहना भी मानता है, वो अच्छा बेस्ट करके भी दिखाता है। और इस थैंक यू सो मच दिनेश जी, आपने बहुत अच्छी शेयरिंग रखी। और इसी के साथ साथ मैं बुलाना चाहूंगी महिमा चौहान जी को, आइए मैम अपनी शेयरिंग रखें। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। मैं पैनल पे सभी अपने सम्मानित ब्रांड एम्बेसडर्स का स्वागत करती हूँ, सम्मान करती हूँ, और अपना नमस्कार सादर समेत सबको समर्पित करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैलेंज। आज 17 साल की उम्र से मैं चैलेंजेस को फेस करती आ रही हूँ। मैं महिमा चौहान मैनपुरी से, और आज 17 साल की एज में मेरी शादी हुई। मैं उस दिन से लेके और आज तक सिर्फ और सिर्फ चैलेंज ही एक्सेप्ट करती आ रही हूँ। इतने चैलेंजेस मैंने एक्सेप्ट किए हैं, कम से कम अपने बिजनेस को मैंने 10 बार टूटते हुए देखा, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने उस बिजनेस को दोबारा फिर शुरू किया, फिर टूटते देखा, फिर मैंने उसको ठीक किया। और मेरे बिजनेस को खराब करने वाले कोई और नहीं थे, मेरे अपने ही थे। मुझे नीचे गिराने वाले कोई और नहीं थे, मेरे अपने ही थे। कहीं ना कहीं उनको पता नहीं, लेकिन मैं थैंक्स कहना चाहूंगी सभी का, कि उनको मुझ पर भरोसा था कि मैं इसे कितना भी कष्ट दूं, कितना भी इसे गिराऊं, इसमें वो क्वालिटी है कि ये उठ के फिर खड़ी हो जाएगी। तो मैं थैंक्स बोलूंगी उन सबको, मुझे किसी से कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, और मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि अगर उन्होंने मुझे गिराया ना होता तो आज मैं यहाँ ना होती। मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ ना सिर्फ इस वजह से कि मैं चैलेंजेस एक्सेप्ट करते 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 इतना कॉन्फिडेंट हो गया है मुझे कि अब तो मैं कोई भी चैलेंज फेस कर जाऊंगी। तो चैलेंज से कभी नहीं घबराना चाहिए, और कभी चैलेंजेस के लिए किसी को दोषी भी नहीं मानना चाहिए। थैंक्स बोलो और आगे बढ़ो, आप एक्सेप्ट करते जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे।
मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, थैंक यू सो मच नाजमा मैम, थैंक यू सो मच। हाँ महिमा जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी शेयरिंग रखी अपनी, और आपने जो अपना बताया कि चैलेंजेस का सामने किया है आपने, क्योंकि रीजन है कि जब हम मेके से ससुराल जाते हैं, ठीक है, एक जगह से हमारे जो दूसरी जगह शिफ्टिंग होती है ना, तो आपका जो टैलेंट है, आपकी जो आपके अंदर जो गट्स है, आपकी जो क्वालिटीज हैं, वो आपको वहां भी देखते हैं लोग, ठीक है, ससुराल में भी देखते हैं, लेकिन तकदीर से कुछ ससुराल वाले ऐसे मिल जाते हैं कि वो चीज हजम नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और वो उनका हजम ना करना ही आप जैसे को उठा देता है। और यहाँ सबसे बड़ी बात यही कहूंगी कि जो आज महिमा जी ने अपनी बात बताई, ये बहुत ही छोटी सी बात करके बता दी, पता नहीं क्या क्या इन पे गुजरी होगी, लेकिन हकीकत बात ये है कि कोई भी लड़की अगर इस तरह उसकी शादी होती है और उसके अंदर कुछ गट्स है, कुछ टैलेंट है, कुछ हुनर है, तो कभी भी जिंदगी में सर पकड़ के ना बैठे, रोए ना, बिल्कुल ना रोए, क्योंकि आपके माँ बाप ने आपको इस काबिल बनाया है, और वो इसीलिए बनाया है कि आप रोए नहीं, दुखी ना हो। आप ससुराल ऐसी भी मिल सकती है कि भाई बहुत अच्छे परिवार हैं, कभी गरीबी भी आ जाती है, अमीर ये पहलू है, कभी कम कभी ज्यादा चलता है, लेकिन लड़की के लिए यही कहूंगी मैं कि वो बिल्कुल अपने आप को एवरी टाइम स्टैंड रखे और हर काम के लिए आगे रहे, क्योंकि उसको रोल ज्यादा प्ले करने पड़ते हैं घर के अंदर, क्योंकि बहुत सारे रिश्ते हैं तो उसको सामने आना पड़ता है, सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, तो उसी को लेके काफी चीजें उसको करनी पड़ती हैं। तो इसीलिए सबसे बढ़िया बात है हिम्मत है मर्दा मदद है खुदा, अगर हम थोड़ी सी भी हिम्मत करते हैं तो हमारे को मदद खुदा की आती ही आती है, और हमने कुछ हमें मिले या ना मिले, लेकिन हम में जो अंदर है वो हमने बाहर लाना है, अपना बेस्ट दिखाना है, ये हमें कभी नहीं सोचना है कि मेरे साथ इसने ऐसा किया या किसी ने मेरे साथ बेस्ट नहीं किया, ये मैं बेस्ट हूं तो मुझे बेस्ट क्यों नहीं कहा, या मैं ऐसा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ तो मैं मेरे लिए सामने वाले ने अप्रिशिएट क्यों नहीं किया। लाख आपके अंदर टैलेंट है और लोग आपके टैलेंट को अवॉइड कर रहे हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी आपके लिए ये भी चैलेंज है कि आप इसको किस तरह एक्सेप्ट करते हो, क्योंकि आप अपने टैलेंट से डिमोटिवेट मत हो जाओ, दूसरे की बातों से डिमोटिवेट मत हो जाओ, क्योंकि ये आपको हर जगह मिल सकती है, ये सब चीजें जरूरी नहीं ससुराल में मिले, तो उससे क्या होता है, अपने टैलेंट को कभी कम ना समझे, अपने हुनर को कभी कम ना समझे, अपने जो ज्ञान है उसको तो आप जितना मर्जी ले लो, कहीं से भी ले लो, किधर से भी ले लो, तो इसीलिए यह है कि बस सो सिंपल कि आपने दुखी नहीं रहना है, बस कुछ करना है, करते रहना है, करते रहना है, चलते रहना है, और फिर हम अपनी यानी कि सीढ़ियां कंप्लीट कर ही लेंगे और एक कामयाबी की जगह पर हम नजर आएंगे, एक वक्त में ऐसा भी होगा, बस हमको क्या करना है, और यानी कि कहने की बात है कि जो सब्र कर सकता है वो जो चाहे पा सकता है, राइट। और इसी के साथ थैंक यू सो मच महिमा जी, इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी हमारे बीच हैं सोनिया जी, आइए सोनिया जी अपनी भी शेयरिंग रखिए। थैंक यू नाजमा मैम, आपने मुझे बुलाया, सभी को मेरा नमस्कार। आज की शेयरिंग सभी की बहुत अच्छी रही और सभी ने जो अपने अपने बारे में बताया है, चैलेंज को एक्सेप्ट किया और आगे बढ़े हैं, बहुत ही काबिल तारीफ है और करना भी चाहिए, क्योंकि लाइफ है और लाइफ जीने का नाम ही चैलेंज है, क्योंकि अगर जिंदगी में चैलेंज नहीं होंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा क्या हम फेस कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, और जो नहीं भी कर सकते हैं उसको भी करने की क्षमता हमें आ जाती है। तो अगर हम कभी चैलेंज में कोई फेलियर होते हैं तो उस पर हमें ये लगता है कि हमें फेल हो गए और हम इसको कर नहीं पा रहे हैं, हम इसको कैसे करें, तब उस टाइम पे हमें ये लगता है कि इसमें हमें क्या कमी रह गई जिसमें हम फेल हुए हैं, उसको पूरा करने के लिए हम और दुगनी तिगनी चौगुनी ताकत लगाते हैं और उसको फेस करते हैं, और उसके बाद जो खुशी मिलती है उसकी तो फिर बात ही क्या कहना। कभी कभी लाइफ में ऐसे चैलेंजेस आ जाते हैं कि जिनकी आपने कभी कल्पना नहीं की होती है, और उस टाइम पे ऐसा लगता है कि मानो आपकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई, और उस टाइम पे भी अगर आपने अपने आप को संभाल लिया, अपना मतलब अपनी लाइफ को मैनेज कर लिया, तो आपने बहुत कुछ कर लिया, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आपके पास कोई तकलीफ आती है तो सामने वाला आपको आपकी उस टाइम पे ये नहीं सोचता कि वो आपकी हेल्प करेगा या फिर आप उसको बताने जाए तो वो आपकी बात पे यकीन करेगा, ये भी नहीं होता। उस टाइम पे सिर्फ आप ही एक ऐसे पर्सन होते हैं जो अपनी प्रॉब्लम को खुद ही आपको फेस करना पड़ता है, ना कि सामने वाला आके आपको कोई प्रॉब्लम को फेस करेगा।
तो उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये जीवन है और जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और इस जीवन में अगर आपने उतार चढ़ाव का मतलब समझ लिया सुख दुख की तरह, मैं मेरा ये मानना है, अगर सुख दुख की तरह सुख आता है तो दुख भी आता है, दुख आता है तो सुख भी आता, एक जैसे हमारी रोज की डेली लाइफ जो है उसमें हम लोग अपने आप को कैसे बैलेंस करते हैं और कैसे मैनेज करते हैं वो चीज आपने सीख ली, तो आपको जब भी कोई परेशानी आएगी ना आप कभी डरोगे नहीं। मेरे साथ क्या होता है, मेरे पास कभी कभी एक ही टाइम पे एक ही सिचुएशन में चार चार पांच पांच प्रॉब्लम आ जाती है और मुझे समझ में नहीं आता मैं करूं क्या, लेकिन फिर भी इतनी हिम्मत है और भगवान से उस टाइम भी यही कहती हूँ आप दीजिए कितना देंगे आप, मैं तैयार हूँ करने के लिए। तो उस टाइम पे भी ना अपने आप को मैनेज कर लेती हूँ और क्या कहते हैं उन सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर लेती हूँ कि मुझे पता है इसका सोल्यूशन है, और ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि जो दुनिया में असंभव हो जिसको आप कर ना पाओ, ये आपके अंदर ही है, बस आपको देखना होता है कि आप कैसे करना है इसको। सो थैंक यू नाज़मा मैम एंड ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सोनिया जी, आप बहुत ज्यादा भावुक हो गई। आपको आपने इतनी अच्छी बातें बताई हैं बहुत ही छोटे से शब्दों में, जब उजड़ती है तभी संवरती है, ये बात मान लीजिए। बहुत बार यहाँ समझना हमें क्या पड़ेगा, बहुत बार ऐसा होता है जो हम में जो अच्छी क्वालिटी है वो लोग नहीं बताते कि आप अच्छे हैं, बहुत ही कम लोग होंगे जो आप बोलेंगे कि आप अच्छे हैं, लेकिन अक्सर लोग कुछ ना होते हुए भी हमें कुछ कह जाते हैं, कुछ गलत बोल जाते हैं, कुछ भी ब्लेम दे जाते हैं, कुछ भी कुछ भी कुछ भी, तो उस टाइम क्या होता है मन करता है कि ये सब क्यों ऐसा हो रहा है, यानी उसको सुनना पसंद नहीं करते कि मेरे लिए शब्द ऐसे क्यों निकाले, या मेरे लिए कोई शब्द ऐसा जिसमें रिस्पेक्ट नहीं है, गाली है, या कोई भी बात हो सकती है, कुछ भी गलत बोलना तो वो मतलब रिस्पेक्ट से हटके बात बोल रहा है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं सुनना पसंद नहीं करते। और हम क्या पसंद करते हैं, एवरीवन क्या सुनना पसंद करता है, अपनी तारीफ, अपनी क्वालिटीज, अपनी अच्छाइयां, अपनी बढ़ाइयां, सब कुछ बेस्ट 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 हादी बेस्ट सुनना पसंद करता है। तो जब बेस्ट सुनना पसंद करता है उसमें फिर रह क्या गया। अब यहाँ हम ये बात कहेंगे, अगर आपको कोई गलत बोलता है या गलत कहता है तो उसको भी सुनना है। जब तक आप उसको सुनोगे नहीं तो आप इन चीजों से डरते रहोगे और यही बोलते रहोगे ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, कहाँ तक, कब तक, कैसे, नहीं। आपने अच्छा भी सुनना है, आपने बुरा भी सुनना है, आपने अच्छा इधर रखना है राइट साइड पर और बुरा लेफ्ट साइड रखना है। इससे क्या होगा, अभी क्या होगा, जिस दिन आपने ये चीज माइंड में बना ली कि मैंने अच्छा भी सुनना है, ठीक है, ओके ओके ओके, अब आपको क्या होगा इस बात को करने के लिए आप एक अमल में आ जाओगे। जब आपको कोई, अब आपको पता है कि मैंने अच्छी बातें इधर रखनी है और बुरी बातें मैंने इधर रखनी है, उल्टे हाथ पर रखनी है, तो अब आपने क्या करना है, फिर आप कहोगे यार ये अच्छी थी चलो इधर आ जाओ, आपने बुरी कही चलो आप और कुछ और कुछ और कुछ, फिर आपको क्या होगा, आपका एकदम स्टैंड ऐसा स्टैंड होगा ना कि आप बोलोगे अभी क्या बोलना है, अभी बोलो जो चाहिए, अभी सब कुछ बोलो, मैं सुनने को तैयार हूँ। आप ऐसे स्ट्रांग बन जाओगे, आपको मैं विश्वास दिलाऊं, सच बता रही हूँ, इतने स्ट्रांग बन जाओगे कि आपको ना तो तारीफ तारीफ लगेगी और ना आपको बुराई बुराई लगेगी। तो ये सब हमारी पर्सनैलिटी के ही हिस्से हैं जो कि हमें समझने पड़ते हैं और उसी के प्रति हमको अपने आप को तैयार करना होता है और उसी के साथ स्ट्रांग बनना पड़ता है। औरत इमोशंस हैं उसके अंदर, बहुत सारे इमोशंस होते हैं, लेकिन यहाँ हमने क्या करना है, इस चीज को साइड में रख के थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी सोचना है। जब आप इमोशंस के साथ साथ थोड़े से प्रैक्टिकल्स भी प्रैक्टिकल हो जाते हो तो आप बहुत अच्छा बहुत अच्छा, मैं समझती हूँ, अपने घर वालों के लिए और दुनिया के लिए बेस्ट दे पाओगे। और मैं चाहूंगी शाहीन हसन आप मौजूद हैं जो कि हमारी होस्ट है, होस्ट भी हैं और स्पीकर भी हैं, मैं चाहूंगी अपने शब्द थोड़े से, आपने सबकी सुनी होगी शेयरिंग, कुछ बोले और उसी के साथ साथ हम लोग समाप्ति की ओर हैं। तो प्लीज मैम आइए, आपका फिर से स्वागत है ऑन पैसिव टीम चैंपियन प्लेटफॉर्म यानी नई दिशा पर, आइए मैम। थैंक यू सो मच नाज़मा मैम, वाओ व्हाट अ वंडरफुल सेशन टुडे, रियली जबरदस्त। मतलब आज का सेशन, मतलब कहते हैं ना, देखिए प्रैक्टिस में मेक्स द मैन परफेक्ट, डेली 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 यहाँ आने से और बोलने से कितना हमने खुद में इंप्रूवमेंट आ रहा है। और मुझे इस पर सबकी शेयरिंग बहुत अच्छी लगी, सभी ने अपने अपने हिसाब से बहुत अच्छी शेयरिंग रखी, नो डाउट। और वाकई में जिंदगी एक चैलेंज है, हमें नहीं पता कि जिंदगी हमारी, अगला पल हमारा क्या हो, बट हम लोग भाग दौड़ में लगे पड़े हैं, दुनियादारी में लगे पड़े, ये भी तो एक चैलेंज है ना, कि हमें पता ही नहीं है कि हमारा अगला पल क्या हो।
और उसके बाद मुझे दिनेश जी की शेयरिंग बहुत अच्छी लगी। सो प्राउड ऑफ आपकी बेटी के लिए बहुत ज्यादा दिनेश जी, जब जिनके बाप ऐसे होंगी औलादे तो अच्छी होंगी होंगी, कहते हैं ना कि मतलब उनका डेडिकेशन में देखा है, काम करते हुए देखा है दिनेश जी को, तो मुझे लगता है कि वाकई में वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और अपने बिजनेस को चाहे कह लीजिए चाहे अपने घर में भी करते ही होंगे ऑब्वियस है। महिमा जी तो स्ट्रांग लेडी, जितना मैं उन्हें जानती हूँ तो वाकई में स्ट्रांग है, और जब एक लेडी अकेले होती है तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। ग्रेट महिमा जी, थैंक यू सो मच, आपने अपनी शेयरिंग हमसे शेयर की, अपनी बात हमसे शेयर की। सोनिया मैम के लिए भी बोलूंगी जरूर कि सोनिया मैम वर्किंग है, तो वो भी जब वर्किंग होती है कोई लेडी दोस्तों उसके सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि जिंदगी में उसको अपना घर भी देखना है, अपनी फैमिली भी देखनी है, अपना ऑफिस देखना है, और घर के साथ साथ ये दोनों चीजें देखना दोस्तों बहुत बड़ी बात होती है कि आप दोनों जगह मेंटेन करके चल रहे हो, घर को और ऑफिस को और फैमिली को। सो थैंक यू सो मच सोनिया जी आपके लिए भी, एंड हमारी द होस्ट बिहाइंड द फोर्स हो गई है, अभी तो नाजमा मैडम जबरदस्त होस्टिंग की है, जस्ट लाइक अ एयर होस्टेस किया है आज इन्होंने, इतना अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन, और हर बात के पीछे उनकी एक स्लोगन या जो भी उन्होंने पॉइंट लिख करके रखे थे या जो भी उन्होंने हमें बताया, वाकई में मतलब ऐसा लगता है सिस्टमैटिकली सारा काम होता चला जा रहा है, ये बोल रही है उसके बाद हम बोल रहे हैं, तो ये चीजें क्या होती है ना, ऐसा लगता है कि बाकी प्रोफेशनल लेवल पर काम हो रहा है। आज का सेशन सुपर डुपर हुआ है, बहुत ही जबरदस्त। मैं नहीं कुछ और कहना चाहूंगी, नाजमा मैम थैंक यू सो मच जबरदस्त होस्टिंग के लिए आपकी, एंड स्पेशली महिमा मैम, रमला मैम एंड संपा मैम, सीमा मैम एंड ऑल अवर पैनलिस्ट सब ने बहुत जबरदस्त शेयर किया, सो थैंक यू सो मच। अभी हमारा सेशन वाकई में 7:30 हो चुके हैं, सो वी आर सो इन इट टू विन इट, थैंक यू सो मच टू ऑल। दोबारा देखने का शाहीन हसन के चैनल पर। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग देखिएगा चैनल पर जरूर देखा करिए, उससे फायदा क्या होता है, कहाँ हम गलत है कहाँ हम सही है हमें सब पता चल जाता है, तो हम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करेंगे। सुनाइए मैं बोल रही हूँ सबके बात के एक बात ही बोलना चाहूंगी, हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा, जो हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं ना खुदा उसके अपने आप ही मदद कर देते हैं। हाँ, चल अकेला चल सही कह रहे थे विकास सर, जब नाजमा मैम की होस्टिंग होती है तो सुपर डुपर होता है सेशन। अरे नहीं ऐसा नहीं है यार, नहीं मैं शुरू में बहुत थक रही थी, मेरा बिल्कुल विकास सर ये रिकॉर्डिंग